हम लोगों की तो जिंदगी अजाब हो जाएगी। अब सारी जिंदगी इधर गुजार दी हमारे माँ बाप ने, हमारे दादा दादी ने, सारे रिश्तेदारों ने अपनी जिंदगी इधर गुजार दी। यही इधर ही और ना बिछोना है हमारा। अब वो लोग आ जाएंगे, अपनी जिंदगी गुजारना शुरू कर देंगे, अब हमारा क्या होगा? बस यार सही, बस यार इसी तरह हमको जिंदगी गुजारनी है। देखो अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही मालिक है। सफाई देखते तो सही है, होता क्या है, होता क्या है। तो ये है हमारे आबाओ अजदाद की हवेली, हमारे बुजुर्गों की हवेली। कितना शौक था, कितनी ख्वाहिश थी कि हम अपनी हवेली में जाएं। सुनो जी मालिक जी, तुम लोग यहां मुलाजिम हो जी। आज के बाद इस हवेली के हम हैं वारिस, हम हैं बड़े मालिक। यहां हमारा हुक्म चलेगा, हमारा हुक्म। अगर किसी ने हमारी हुक्म अदूली की तो जान से जाएगा। ठीक है, ओके मालिक जी। सारे इंतजाम मुकम्मल है जी, मुकम्मल है। हो बहुत को जाओ, हमारा सामान लेकर आओ, हमारी बेगम और हमारी बेटी को लेकर आओ। ओके मालिक जो जाओ जो। हो ये है करवा दो। अरे बेगम तुम देखना, हम ऐसा चक्कर चलाएंगे कि ये हवेली सिर्फ और सिर्फ हमारे नाम होगी। ये है वो जगह जहाँ पर हमारा वालिद, हमारे बड़े नवाब साहब बैठकर हमें शराब पीने से मना करते थे। वो मर गए, हम रह गए। वो हार गए, हम जीत गए। अब इस हवेली में वो कुछ होगा जो हम चाहेंगे। हम किसी तरीके से भी बस चल करो, ये काम जल्दी कर लो। लेकिन एक काम गलत हुआ। क्या? हमारे बड़े नवाब साहब ने सारी जायदाद हमारी भतीजी के नाम कर दी, लेकिन अब उस भतीजी से हम जायदाद अपने नाम करेंगे। तुम इस हवेली की मलकानी होगी, महारानी होगी। कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। ये हवेली मेरे नाम हो जाएगी। बस जल्दी करो, कोशिश करो जल्दी से। अब हमें जाना कहाँ है? हमें तो कहीं नहीं जाना। अरे बेटी कहाँ रह गई? अरे हाँ, वो उधर देखने की बागीचा। सोनिया यहाँ क्यों आए आप? अरे ये हमारी हवेली, हमारे आबा अजदाद की। तुम्हें क्या पता कि कितनी महंगी हवेली है? डैडी यहाँ बहुत ज्यादा स्मेल है। अरे स्मेल नहीं है, ये बहुत अरसे से बंद पड़ी रही, अरसा तलाश से बंद रही। यहाँ पर इंसान नहीं बसते थे, इसलिए यहाँ पर ऐसा हाल है। अब हम आ गए हैं, ये हमारे लिए बनी है हवेली। डैडी इस हवेली में क्या चार्म है? इसमें हाँ? इसमें चार्म ये है कि बहुत पुरानी हवेली है, जब इसे हम बेचेंगे तो करोड़ों रुपए मिलेंगे, करोड़ों रुपए। डैड मैं यहाँ नहीं रह सकती। क्यों, क्यों नहीं रह सकती? वापस अमेरिका चले आओ। कैसी बात है डैडी, बहुत बहुत जगह है, आपको तो पता है मैं डेली डिस्को जाती हूँ। ओहो, यहीं पर कोई इंतजाम कर देंगे डिस्को शिस्को का। ठीक है ठीक है ठीक है। आप ऐसा करें, अपने अपने कमरे सेट कर लें। किधर है कमरे? इधर है। अरे वो हमारा मुलाजिम कहाँ गया? शर्फ, अरे बता दो मुझे कहाँ पर है। शर्फ कहाँ गया? सर वो ऊपर गया। अच्छा चलो भाई, ऐसा करो तुम अपने अपने कमरों में जाओ, हम भी इधर सेटिंग कर लें। ठीक है चलो, मैं तो तुम्हारे वाले कमरे में रहूंगी, बस मैंने कह दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हवेली हमारे खानदानी हवेली है, और इस हवेली का मालिक मैं बन के रहूंगा मैं। हाय हाय, बस अब्बा जान ने इस हवेली को बड़े भैया मरहूम के नाम करके अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया।
अब किसी तरह हम ये हवेली हासिल करके रहेंगे। अरे बेटा पप्पन। हाँ पापा। बेटा पप्पन अंदर आ जा बेटा। पापा कैसे आ जाओ, मुझे टांगे वाला नहीं छोड़ रहा। अरे मेरा पापा सही नहीं है तू अपा। तू बेटा तू मुझे टांगे वाले के हवाले करके खुद अंदर आ गया, मैं कहां से तू किराया। बेटे इसको पता नहीं है कि हम नवाब लोग हैं। नवाब कहेंगे, जेब में पैसा नहीं है, नवाब बने फिरते हैं। बेटे तुम नवाब नवाब घर के चश्मो चराग हो तुम। हाँ नवाब इब्ने नवाब, पता नहीं मैं कितने नवाबों का बेटा हूँ। बेटा बेटा बुरी बात, और तुम्हें पता है हाँ? कि मैं तुम्हें यह क्यों लेकर आया हूँ। मुझे क्या पता बुजी, मुझे क्यों लेके आया, मुझे बताए ना, मुझे बताए ना। हाँ? बेटे बेटे तुम्हारी शादी होगी पिंकी से। हाय अल्लाह जी, मैं पिंकी बाजी से शादी करूंगा। पिंकी बाजी सोनी है ना। आयो आयो आयो, साईं का ब्याह होगा अल्लाह की कसम। आयो मजे आएंगे, कसम से मजे आएंगे। पप्पन पप्पन बेटा पप्पन। पापा जी हाँ। जब मैं शादी करूंगा ना, फिर मैं अनियम मुनियम पे पला की तो जाऊंगा। बेटे तुम नवाब के बेटे हो, जाओ मर्जी जा सकते हो। बस ठीक है, टांगे पे बैठ जाऊंगा, टांगे पे। मेरी बात हो गई है टांगे वाले से। बेटे पिंकी को बाजी नहीं कहना है। नहीं नहीं, मुझे मुझे अच्छी लगती है ना पिंकी बाजी, बड़ी सोनी है अल्लाह की कसम है। बाजी है मेरी बाजी। बेटे उसकी तारीफें करनी है। हाँ हाँ, उससे तुम्हारी शादी हो जाएगी। नहीं शादी होगी ना, फिर ये हवेली के मालिक हम होंगे। हम होंगे हवेली के मालिक। अबू तो मुझे कुल्फी क्यों नहीं लेके देते आप। बेटे बेटे तुम कुछ बच्ची थोड़ी जवान हो चुके हो। मैं जवान हो गया हूँ, मैं कुल्फियाँ तो खाता हूँ ना, कुल्फी तो ले देना। आप कैसे कंजूस अबू है, आपको शेख है। अब जी आप तो नवाब है, तो कुल्फी ले देना। बेटे कुल्फियों की क्या, आइसक्रीम की पूरी फैक्ट्री ले दूंगा। अब जी फैक्ट्री की ऐसे मुझे चक्कर ना दे, मुझे ये बस 2 रुपए की कुल्फी ले दे बस, मुझे नहीं पता। बेटे मौसम खराब है, गला खराब हो जाएगा। चलो कुल्फी पे लाने तो पाओ, कुछ चुवानी और ना गोला ले दे, चले आए ना। बेटे भी थके हुए हो, आराम करो। मेरा पखा ना रोको ना, आप इसको ऐसे ऐसे पकड़ लेते हो, ये नहीं रोकता, मैं क्या करूं। बेटे ये चल रहा है बेटा, मैं क्या करूं अबू, ना करो। तू अंदर आ बेटा, मैं हाँ। तुझे बताता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हाँ। और तूने क्या करना है। अंदर जाके बताएंगे। हाँ जा। अंदर बाद में जाऊंगा, मुझे बाबा अंदर ले जाते हो, कुल्फी वाले के पास क्यों नहीं लेके जाते। इसलिए पैसे मांगे हैं, इसलिए। बेटे कुल्फी ले जाऊंगा तो लेकर दे फिर मुझे। हाँ, मेरी चिंता। ओ मजो मजो बच्चा, ओ मैं छपे जाऊं, मैं अंदर आ जाऊं। मैं बच्चा आ जा, अब मेरा सोना पुत्र आ जा, ओ मेरा चंगड़ा अरगा अब्बा। चल बेटा चल, चल मेरा बेटा। हमारी भतीजी पिंकी अपने बाप की पुरानी गाड़ी में आ रही है। बड़ा शौक था उसे अपनी पुरानी हवेली में आने का। ये मुलाजिम कहां मर गए, शर्फो अभी तक नहीं आया। शर्फो रहे हो। कैसे हो शर्फू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब, आप कैसे? ठीक ठाक है। ठीक ठाक सब इंतजाम। आपके फेफड़ों में से पानी बाहर आ गया क्या? पकते हो? मुझे अमेरिका से फोन आया था, पता चला कि आपके फेफड़ों के अंदर इन्फेक्शन हो गई है। हम बड़े मालिक हैं। आप बड़े मालिक है, बड़े आका है, मुझे मालूम है, बड़े नवाब है आप, बड़े बहुत बड़े बड़े नवाब है आप। आप बड़े नवाब है, बड़े नवाब, बड़े ही नवाब है आप। आप कितने अच्छे नवाब है सरकार, आपको कभी ऐसा नहीं लगता नवाब बन बन के आप थक गए? कभी गरीब बन के देखे, बड़ी वैरायटी है। क्या कह रहे हो शर्फो? अरे गरीबों की जिंदगी में बड़ा वेरिएशन है सरकार। पुलिस वाला थप्पड़ मार रहे हैं, ड्राइवर मार रहे हैं, आ रहा है, ये भी चेंज है। एक हफ्ते के लिए बनो गरीब। जुबान कम चलानी मेरे आगे, अगर जुबान चलाओगे जुबान काट दूंगा। अच्छा हाँ ठीक है, सुनो। सुना? इधर मेरा हुक्म चलेगा, हम हैं इस हवेली के वारिस, क्योंकि इस खानदान का मैं बड़ा हूँ बड़ा। ठीक है, मुझे नहीं पता, तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे क्या पता, मैं तो आप बोलो ठीक है मैं बोलूंगा ठीक है, नहीं है तो नहीं है। मुझे क्या हाँ। क्या लगा इसमें भाई? तुम्हें मेरी हाँ में हाँ मिलानी है। क्यों भाई, मैं असेंबली का मेंबर हूँ मैं।
क्या में मिलाओ, हर एक की नाम ना मिलाओ। कमाल भाई लोटे समझ रहे मुझे? जो कह रहा हूँ उतना सुनो, जो कह रहा हूँ उतना सुनो। बाकी का क्या करूँ, बाकी का क्या करूँ? जो आप कह रहे हो उसका क्या करूँ? काम बताओ ना। तुम काम चोर होते जा रहे हो, इतना अरसा हवेली खाली पड़ी रही। ये हवेली खाली पड़ी हुई, हवेली इतनी साफ होती है क्या? इतनी साफ चीजें की तरह चमक रही है। आप देखो क्या फर्नीचर को मेंटेन करके रखा हुआ, ये मेरा काम है। क्योंकि मेरे बाप दादा इस हवेली के मुलाजिम थे। नमक खाया हमने यहाँ का, हालांकि बड़े अब्बा को तो मेरे ब्लड प्रेशर था, नमक तो वो खाते नहीं थे, फिर भी हम शुगर निभा रहे हैं। शुगर तुम्हारी बातें इसलिए सुन रहे हो कि तुम पुराने मुलाजिम के बेटे हो। तो मैं सही बोल रहा हूँ, इतना खूबसूरत माहौल बना के रखा हुआ, आप मुझे क्या सिला दे रहे हो यार? क्या सिला दे रहे हो यार? नवाब यार, नवाब यार, नवाब क्या होता है? जमहूरियत है जी, जमहूरियत है, सब बराबर है, एक ही सब में खड़े हो गए। मैं मुझे आया ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाज गेट पे आ गए। बड़ा मालिक बोल रहे हैं, बड़ा मालिक, बड़ा मालिक वो है जो ऊपर बैठा हुआ है, बाकी कोई मालिक नहीं है, ऊपर वाला बड़ा मालिक। अच्छा मैं भी नवाबों का नौकर हूँ, कोई घसियारों का नौकर नहीं हूँ। पिता के काम करता हूँ मैं, नवाबों का नौकर हूँ, नवाबों का। ये नवाब होते ना उनका नौकर हूँ मैं। अबे किसका नौकर है तू? नवाबों का। कौन है नवाब हमारे अलावा? आपके अलावा नवाब ट्यूबवेल वाले भी तो है, नवाब मियारी हाउस भी है, नवाब टिक्के कबाब, नवाब फर्नीचर, सारे साहब नवाब वो नहीं रहा। लेकिन हम नवाब हैं, हम समझ आई? पिनकी कहाँ है? पिनकी, पिनकी हाँ, वो कौन है? हमारी भतीजी। आपके? अच्छा छोटी मालकन? हाँ। ओ आपके बड़े भाई की बेटी? वो गाड़ी में तो आ रही है, सामान वान निकलवा रही थी, वो आई है बड़ी जबरदस्त सरकार। वो अपना बेचारी बड़ी दुखी लड़की है लग रही है, मेरे सारे रास्ते खामोश रही है, यही पूछती रही है हमारे खेत कैसे हैं, हमारी हवेली कैसी है, हवेली में क्या क्या है। बड़ी है हाँ, वो बड़ी मालकन है जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो तमीज से रहना, अब हम आगे जो बड़ी मालकन कहे, यानी मेरी बेगम और मेरी बेटी, उसकी बात माननी है, समझ आई? उनकी माननी, उनकी भी माननी है, लेकिन ज्यादा खुल के बात करो ना, किसकी माननी यार? मेरे को क्या कंफ्यूज कर रहे हो? मैं नौकर हूँ, मेरे को टेंशन नहीं लेना, बता रहा हूँ। ये टेंशन नहीं होगी, इससे बात नहीं करनी उससे, ये मुनाफ़त है, मुनाफ़त, मुनाफ़त, या तो सब से करो या तो नहीं करो। मैं ही कर रहा, मैं थक गया यार, मैं आराम कर रहा हूँ, बस खत्म हो गया। जा यार नवाब, पानी पकड़ यार, जा। उठा, बदतमीज। अबे अभी अभी आ रहा हूँ, जमहूरियत है, जमहूरियत। अभी जलसे में एक लीडर ने कहा कि मैं आपका खादी हूँ, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब एक है। अभी कहा उसने, तो उसमें क्या मतलब, वो झूठ बोल लेगा क्या? वो हम लीडर नहीं, हम नवाब हैं, हमारी अपनी रवायात है, अपनी रस्म रवाज है। इसमें गरीबों का कोई आइटम नहीं है रस्म रिवाज में? गरीब पैदा ही हमारी हमारी खिदमत के लिए हुआ है। ठीक है भाई, करा लो खिदमत, क्या करानी है? हम ऊपर जा रहे हैं। क्यों, क्या बात है? आप मेरे पूछे बगैर ऊपर नीचे कहीं भी नहीं जाना, बता रहा हूँ। मेरे को पता है इस घर के रास्तों का, हवेली में भूल भलैया कहीं फंस फंसा गए फिर गलत हो जाएगा। देखो शर्फ, हाँ जी, हमने यहाँ रहना है। ठीक है रहो, मैं क्या कह रहा हूँ, किराया मांग रहा हूँ। हमने यहाँ रहना है। रहो भाई, रहो तुम यहाँ, रहो भाई, आप नवाब हो भाई, गरूर करो भाई, अल्लाह को डरना ना, गरीब को कुचल दो, कानों को हाथ लगाओ, खौफ खुदा करो, लगवा दिए ना, इस टाइप का आदमी हूँ मैं। बड़ा चर्च जबान है तू। बहरहाल हम ऊपर जा रहे हैं। जाए आप, पिन किया है तो हमें इतला कर देना। कैसे, बदल या फैक्स, टेलीफोन या तार भेजो? पिनकी आप आवाज दे देना हमें। ओके ठीक है, ओके। आप चाहें तो मुझसे इंग्लिश में बात कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आती। ठीक है आप ऐसे ये सीढ़ी पे जाते हुए जच नहीं रहे आप? क्यों नहीं जच रहा? नवाबों की तरह नहीं गए आप, दोबारा जाए नवाबों की तरह जाए आप, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह चले गए, नवाबों की तरह जाएंगे, जैसे नवाब जाते पीछे हाथ रख के स्टाइल, ये नवाबों की तरह जाए, पीछे हाथ रखे, पीछे हाथ, खुदा की कसम आप नवाब नहीं है, याद रखो। मैं गरीब हूँ, मुझे देखो, मैं गरीब हूँ, ये होते नवाब। ऐसे जाते, मैं इन सीढ़ियों पर रोज चढ़ता हूँ नवाबों की तरह, अपना शौक पूरा करने के लिए। अब पीछे से आवाज ना देना। ओके हाँ, अच्छा
वो कौन आया? पता नहीं, ये बहुत पुराना काम है, मैं कर चुका। कभी आज तक अमेरिका से 100 रुपए नहीं भेजे, अपनी टैलेंट की वजह से हवेली को संभाला हुआ है। कभी पुराने फर्नीचर बेच रहा हूँ, कभी कालीन बेच रहा हूँ। जी मालकान, शर्फू। जी मालकान। अरे तुमने तो हमारी हवेली को बहुत अच्छा रखा हुआ है। बस मालकान, बड़े साहब ने ये कह के मुझे, जब मेरे सामने मरे हो, जब मर रहे थे तो कह रहे थे, चरपू हमारे खानदान की यही निशानी है, इसे संभाल के रखना, मेरा अब्बा भी वही बैठा हुआ था। चरपू तुम मत रो, इतने याद आते मुझे खुदा की कसम। अल्लाह अल्लाह किसी को यतीम ना करे मेरे पास। तुम सही कहते हो, आज अगर हमारे अब्बा जान होते तो बहुत खुश होते। बहुत खुश होते जी, वो इस वक्त भी खुश हो रहे होंगे, खुदाई के हम कब्र में भी खुश हो रहे, बड़े नेक इंसान थे वो। हाँ, हमारे अब्बा जान बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे बच्चे थे वो। अल्लाह ताला जन्नत में होंगे जी, इस वक्त किसी हूर के साथ नहर में पैर डाल के बैठे होंगे, उन्हें क्या पता हम किस टेंशन में हैं। शर्फू। हाँ जी। हम ना पाकिस्तान पहली मर्तबा आए हैं। कोई बात नहीं, यहाँ तो लोग रोज आते हैं, कोई सी बात जहाज भर के आ रहे हैं, कोई पाबंदी नहीं, दबा के आओ। नहीं नहीं, पाबंदी तो नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान के बारे में कुछ जानते नहीं है ना। ये सीधा सीधा मुल्क है, बिल्कुल सीधा सीधा मुल्क है। कादरों ने बनाया, लोगों ने खाया, दो और दो चार बड़ी बात है। नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे, हम ये पूछना चाहते हैं यहाँ पे लड़कियाँ कैसी रहती हैं। बिल्कुल चौकस। चुने अंदर अंदर अंदर। अरे शेफू, ये मैंने पाली हुई है जी, चूहों के लिए। अच्छा, जब भी तुम्हारी इतनी बात मानती है। ये चूहों के लिए पाली हुई है, इसके लिए कुत्ता पाला हुआ है, कुत्तों के लिए बंदर रखा हुआ है, बंदर के लिए अगर रखा हुआ मैंने चीता, चीते के लिए शेर। पर आप देखिए पीछे काफी सामान सेट हुआ है। अच्छा, आप लड़कियों का पूछ रही थी। हाँ शर्फू, पाकिस्तान में लड़कियाँ बिल्कुल पढ़ी लिखी मॉडर्न है। अच्छा, यहाँ पे लड़कियाँ फैशन करती हैं? तौबा तौबा, अंदर ऊपर बुरखा, अंदर जीन्स की पैंट। ये काम चल रही है आजकल यहाँ पे, बहुत जोरों में जा रहा है। यहाँ पे लड़कियाँ डिस्को और क्लब भी जाती हैं? नहीं नहीं, उन्होंने अपने खुद बनाए हुए हैं, जाती नहीं किसी के। कोई लड़की किसी के क्लब में नहीं जाती, अपना क्लब, अपना पार्लर, अपना बुटीक, अपने लोग। अच्छा अच्छा, हम तुम्हें एक बात बताना चाहते हैं। बताए बताए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं आपका खास आदमी हूँ, आपके वालिद साहब मरते वक्त कह के गए पिंकी का ख्याल रखना, बस। वो तो हम जानते हैं, और तुम हमें बहुत अच्छे भी लगते हो। शर्फू, हम जो है अमेरिका से यहाँ नॉवेल लिखने आए हैं। नॉवेल? हम नॉवेल। क्यों, वहाँ पे क्या कागज नहीं थे, क्या मसला था? तुम समझ नहीं रहे, हम नॉवेल लिख रहे हैं भूतों पे। हैं? और हमने सुना है पाकिस्तान में बहुत भूत होते हैं। पाकिस्तान में भूत मिला? कभी को भूत मिला नहीं है, मुझे कई लोगों ने कहा भूत नहीं है, कहाँ जा रहे है? ये है कि हमने सुना है ये जो पुरानी हवेलियां होती हैं और जो पुराने घर होते हैं, कब्रिस्तान होते हैं, वहाँ बहुत सारे भूत होते हैं। होते तो है, लेकिन नजर कभी नहीं आया मुझे, मुझे कोई मिल जाए तो मैं बात करूँ, मैं घबराता नहीं इन चीजों से। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, दो बजे रात को अकेला जाता हूँ। अच्छा, वो हो ये बराबर वाले गाँव के कुत्ते है ना, उस दिन उन्होंने मेरी सलवार फाड़ दी, खाना खराब होने, मैंने उससे बड़े कुत्ते ला कर बिठाए बीच में, मैंने कहा बात कर लो, ये हमारे कुत्ते हैं, तुम्हारे कुत्ते, देख लो क्या होता। आखिर उन कुत्तों ने माफी मांगी जब जान छोड़ी मैंने, डरता वरता नहीं हूँ मैं। कुत्तों ने माफी मांगी? कुत्तों ने मेरे से माफी मांगी, बोलूं माफ कर दी। शर्फू, तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो। ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेकिन शर्फू, हमें जरूर तुम बताना ऐसा
कोई हवेली हो, कोई पुरानी जगह हो जहाँ भूत वगैरह रहते हो। क्यों आप मुझे मिलना चाहती क्या? हाँ हम उसे मिलना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं। भूतों के बारे में? हाँ। क्या हो गया आपको? लोग कहते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में बताओ, इमरान खान के बारे में बताओ, ऋतिक रोशन के बारे में बताओ, आप बोलिए भूतों के बारे में बताओ। नहीं नहीं ये सब चीजें हमें नहीं पसंद। अच्छा आप बिल्कुल अलग मुख्तलिफ छोकरी है। हम तुम्हारी मालकिन है। मालकिन? मालकिन मैं माफी चाहता हूँ, बेतकल्लुफी, लेकिन ये जमहूरियत है। जमहूरियत है? जमहूरियत में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। छोटा बड़ा नहीं होता, वो तो हम भी मानते हैं। थैंक यू। लेकिन अच्छा तुमने हमारा कमरा सेट कर दिया? आपका कमरा सेट है? ये हमारा कमरा। ऊपर भी जा सकती हैं आप, आपका ऊपर भी कमरा है, आपका नीचे भी कमरा है, सारे आप ही के तो घर है। ये तो यार दो नंबर लोग आ गए। नहीं नहीं हमारे रिश्तेदार हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना, उनका बहुत ख्याल रखना है। अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं। आप जाइए, आपको कोई भी चीज चाहिए हो आप वहाँ पे, मैंने घंटी लगी है ट्राम, एक आवाज आई और मिनट के अंदर में अंदर। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ भूतों का बता के ना। अरे मैं कहीं से भी दो चार भूत फंसा के लाऊंगा, ऐसी क्या बात है? नहीं नहीं फंसा के नहीं लाना, लेकिन हमें उनकी जिंदगी के बारे में लिखना है। हम बताऊंगा, भूतों की बड़े प्रॉब्लम है, नौकरियां छुटी हुई है, ख्वार घूम रहे वो लोग, बड़े मसले हैं उनके, मिले बंद हुई है, लेबर का मसला बता दूंगा आप आ जाओ। चलिए ठीक है हम जा रहे हैं। हवेली के लोग ही अजीब आ रहे हैं, वो ऊपर गया है, वो कह रहे हैं इसका ख्याल नहीं रखना, ये कितनी प्यारी बच्ची है, ये बोल रही है। क्या पढ़ना है? कौन है आप लोग? ये दूध के गिलास को मियां मेरा ख्याल इसके सामने आई जाओ। आहिस्ता आहिस्ता अपना हुसन दिखाना, कहीं ये बच्चा डर ही ना जाए। मिया इसका एंटीना तो हिला ना। बेटे ये पर्दे वाला भूत है। बेटे अपना हुसन दिखाओ इसे। वफ़ा आप कौन लोग हैं? हम भूत हैं। हम तुमसे ये कहने आए हैं कि जहां हम रहते हैं वहां तुमने इंसानों को क्यों आने दिया? मैंने नहीं बुलाया मामू। सुनो ये तुम्हारी बहन का बेटा है क्या? पता नहीं हमारी बहन ने भी कहां कहां बच्चे दिए हुए हैं। खामोश। इससे पूछो इसने मेरे कमरे के अंदर उसको क्यों भेजा? मुटल्लो को क्यों भेजा तुमने इंसानों को हमारे कमरे में? क्यों भेजा इंसानों को हमारे कमरे में? हम सुकून से रह रहे थे, इंसानों ने हमें आकर बेचैन कर दिया है। देखो अपना पोनी वाले भूत है। मियां मैं पहले ही कह रही थी तुमने पोनियां ठीक नहीं बनाई हैं। बात यह है कि देखिए अब आप एक बेटी सर पे दुपट्टा रखो। इंसानों की बच्चियों ने दुपट्टे छोड़ दिए हैं, अब दुपट्टे सिर्फ जिन्नातों में रह गए हैं। अबे यार बड़ा तंजिया भूत है भाई तू। तंजिया नहीं तंजिया भूत, बता क्या बात है भाई? मैं तो देखो इस हवेली में रहना नहीं चाहता, तुम्हारी जान की कसम में सही बोल रहे हो। भाभी आप भी सुन लो,
मैं सही बोल रहा हूँ, मैं यहाँ रहना नहीं चाहता, मैं तो यहाँ से जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो बड़ी। अब तू जा नहीं सकता। तूने हमको देख लिया है, तूने हमको देख लिया, तू जा नहीं सकता। बिल्कुल, और सिर्फ तू ही वो इंसान है जो हमारी आवाज सुन सकता है और हमें देख सकता है। बस मैं, बस अकेला मैं, अकेले तुम, और तुम किसी को नजर भी नहीं आओगे, किसी को नहीं। यार ये तो बहुत बड़ी गंदे भाईजान, देखो आप इंसाफ करो, सबको नजर आओ, सबको डराओ यार, ये ना करो यार। अब अच्छी बात नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, पुरानी कसम भूल भाई, जमहूरियत नहीं है, बता दो भाई। आपकी बात ठीक है लेकिन जमहूरियत वाली बात नहीं हो रही है। कुछ भी हो लेकिन अब ये तेरी जिम्मेदारी है कि हमारे कमरों से इंसानों को निकालना होगा तुझे। तुम निकाल दो ना, तुम उन्हें मार दो, तुम तो भूत हो, तुम्हारे पास तो ताकत है, उन्हें कत्ल कर दो भाभी, तुम भी मार दो भाभी। हम भूत हैं, हम कातिल नहीं, समझ आई है ना। पूरी दुनिया में आबादी हो गई है, हर जगह से निकाले गए हम, इतने अरसे से ये हवेली खाली पड़ी हुई थी, हम सुकून से रह रहे थे, तूने बुलाया है इनको, तू सजा पाएगा। मैंने नहीं बुलाया। तू नहीं बुलाया है? नहीं बुलाया मैं। अगर तू उन्हें नहीं निकालेगा, उनकी हवेली है, तो मुझसे क्यों डर रहे हो भूतों? तुझे सजा दूंगा मैं, मेरी बात सजा। देखिए मेरी बात, मैं कुरान की कसम में चला गया वाला भाभी, भाभी मेरी भाभी मेरी बात, मैं आपकी बात मान लूंगा। इंसानों को निकालेगा यहाँ से? मैं निकाल दूंगा। बस ठीक है, बस मुझे नजर ना आना भाई, जो बात करनी है मुझे, मैं अपना मोबाइल नंबर देता हूँ, मुझे फोन कर लेना। उनको नजर नहीं आए, समझ से बाहर है, उनको नजर नहीं आए। नहीं, तुम उनको क्यों नजर नहीं आ रहे, तुम उनके काने हो क्या? मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ क्या? तुम्हें क्या हो क्या? शर्फू जी, ये किससे बातें कर रहे हो? अरे ये जो आई भी फैमिली, कौन आया शर्फू? अभी तो हम ही लोग हैं ये। क्या हो रहा है मिया? इसको लात मार के उस पे गिराओ। क्या हो गया, किस क्यों रो रहे हो? क्या हरकतें हैं? कुछ साइंसी मेहमान आ गए, साइंस होगी साइंस। बात ये कि मैं बता नहीं सकता, मेरा मसला है। क्या मसला है भाई? कुछ नहीं जनाब। सुनो, हम ऊपर गए थे, कमरे में बहुत जाले हैं, तुम कहते मैंने सफाई की है, क्यों बेगम? शर्फू इतने बड़े बड़े जाले और बाथरूम इतने बड़े बड़े, दो बेड तो आ सकते हैं। लो इतनी मोटी है, इसके लिए तो बड़ा ही बाथरूम होगा। मैं बताऊं आपको, आप ऊपर ऊपर इधर उधर कहीं ना जाएं। क्यों? एक आधा कमरा खाली छोड़ दें, गेस्ट रूम बना दें। आपको कह रहा हूँ, मैं किस मुसीबत में अल्लाह निकालेगा मुझे। ठीक बात है, सुनो क्यों ना जाएं, हमारा जान दिल जाएगा, हम जाएंगे, वहाँ हमारी हवेली है ये। शर्फू ये हमारी हवेली है, सारे कमरों में और पाई बाग के बाहर स्प्रे करवा दो। ठीक है? नहीं 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 नहीं। क्या बकवास कर रहे हो? नहीं, व्हाइट हाउस से ऑर्डर आया। नहीं, कौन सा व्हाइट हाउस? तीन व्हाइट हाउस छोटे छोटे हैं। हम तुम्हारे मालिक है, जो हम कहेंगे वो मानोगे? जी मेरे मालिक तुम, लेकिन आपको नहीं पता, अल्लाह करे आपको पता लग जाए। ब्रेक करवा लो, ठीक है जी बेटा, हम पाई बाग में जा रहे हैं, चलो बेगम। चले, मुझे लेके चले। चलो मैं भी चलता हूँ, साथ ही चलते हैं। आप लोग जाएं। और सुनो, ये हरकतें करना छोड़ दो। अच्छा जी, अच्छा भूतनी का एमिया, इसने मेरे नाम को गाली के तौर पर इस्तेमाल किया है, ये सोबर सा आदमी, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। तुम फिक्र ना करो, मैं इसे सजा दूंगा। ऐसी सजा देना, नाक के नीचे ठोस है मारना, आंखों से खून आए। ये स्प्रे करवाएगा ना, एक काम कर, इस आदमी पे टाइफून छिड़क के इसी को मार दे। तो तुम क्या है, रेस्ट पे हो? सारे काम मुझसे करा रहे हो आप, आज भूतो मारो ना लोगों। वो एक नेक इंसान है। कौन? हम उसे नहीं मार सकते। वो नेक इंसान नहीं है जिसकी ये हवेली है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं।
जिनकी हवेली थी बड़े नवाब। हाँ जी। तो उनका इनसे क्या ताल्लुक है? ये उन्हीं के रिश्तेदार हैं। उस आदमी ने हम पर एक एहसान किया था, उसके बदले हम इनको नहीं मार सकते, लेकिन तू सिर्फ हमारा घर खाली करवा दे वरना। फेफड़े को ना छेड़ो, फेफड़े को ना छेड़ो। मैं आपकी बात समझ गया। हाँ। बड़े नवाब ने आपने कोई एहसान किया था। हाँ। कितने अच्छे भूत हो यार तुम्हारे, तो मैं 100 काम करूंगा। कम से कम तुम्हारे भूतों में ये तो चीज है कि तुम एहसान को याद रखते हो। यहाँ तो किसी के लिए जान भी दे दो, अगला कहते यार उसकी मौत ही ऐसी आई थी, हम क्या करें। बहुत अच्छी बात है, आपकी बात बहुत पसंद आई मेरे को, अब मैं आपके सारे काम करूंगा। मिया हाँ। चलो मुझे ब्यूटी पार्लर से अपर थ्रेडिंग करानी है, चलो चलो चलो। आप लोग वैसे कौन से पोर्शन में कभी मुलाकात करनी हो तो? हम हर पोर्शन में हैं, बस इंसान से कह देना, समझा देना उनको, कोई हल्ला गुल्ला नहीं हो, कोई पता नहीं हो, कोई हंगामा ना हो। हाँ जी। यहाँ पे कोई डिस्को क्लब है? नहीं हाँ जी, कैरम बोर्ड का क्लब है यहाँ पे। डब्बू डब्बू का क्लब है, डब्बू का। बताओ मैं बहुत बोर हो रही हूँ, अभी हमें आज 2 घंटे हुए, मुझे ऐसा लगा जैसे 2 साल हो गए। हाँ ये बात तो है, आपको 2 साल लग रहे होंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे बोरियत मिलेगी। ये शहर से दूर एक इलाका है जहाँ पे हवेली बनी हुई है। हाँ इतनी बोर हवेली, तुम यहाँ रहते कैसे हो? पता नहीं जी, मजबूरी में रहता हूँ, क्या करूँ, और कोई घर भी नहीं हमारे पास रहने के लिए। बेचारी पाकिस्तान में रखा है क्या है? हाँ कुछ भी नहीं रखा, जो था लोग ले गए। पाकिस्तान में क्या रखा है? क्या रखा है? गैरत रखी है, ईमान रखा है, अल्लाह का नाम रखा है, नबी का कलमा रखा है, कुरान रखा है। ऐसी बातें ना करो, क्या रखा है? सारा तो यहाँ रखा है, और मुल्कों में क्या रखा है, और इस दुनिया में क्या रखा है? तेरा ही नाम छुपा रखा है। इतनी डस्ट। और से देखो, दिल मेरा तो तेरा ही नाम लिखा रखा है। क्या कह रहे हो? प्यार के अफसाने सुने थे लोगों से, प्यार क्या है ये तूने मुझको बतलाया? प्यार की दुनिया में लोगों ने मोहब्बत का नाम सजा रखा है, और क्या रखा है? मिया ये बोलता बहुत अच्छे, बड़ी अच्छी बातें करते हो तुम। शुक्रिया। बताओ ना मुझे, यहाँ मेरी पार्टी करनी है। मैं इस वक्त मैं कुछ नहीं बता सकता। क्यों? मेरे पे ऑब्जर्वेशन लगी हुई है। तुम्हें डांस आता है? डांस आपको आता है? हाँ। अच्छा माशाल्लाह। आप करेंगे यहाँ पे डांस पार्टी? डांस पार्टी होगी? नहीं। तुम नहीं क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता नहीं डांस के बाद क्या होगा। फिर तुम्हें क्या पता डांस के बाद क्या होगा? मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आपको पता लग जाएगा। बहुत मजा आता है, तुम्हें नहीं पता? क्यों? मेरे सारे फ्रेंड्स आएंगे, एक रूम साफ करवा दो, ठीक है? ओ कौन सा वाला? ऊपर वाला। नहीं। क्या हो गया? नहीं क्यों कर रहे हो? मैं नहीं करता, मेरे अंदर कोई नहीं डाल लिया है, मेरी नहीं निकल रही है, मैं कर नहीं लिया। अल्लाह देख रही है मैं किस पोजीशन में चल रहा हूँ। तुम्हें हो क्या क्या? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस मैं इनू पी लूंगा, ठीक हो जाऊंगा मैं। अच्छा हाँ। मैं तुम्हें कह रही हूँ कमरा साफ करवा देना। और हाँ, यहाँ पे कोई शॉपिंग सेंटर है? शॉपिंग सेंटर है, यहाँ से आगे जाएंगे ना आप? कहाँ? दो दुकान है, एक हजाम की है। हाँ? और एक ग्राम अम्मा है। शॉपिंग सेंटर पूछ रही हूँ। हाँ तो शॉपिंग सेंटर, पानी खरीद लेना वहाँ से। पानी नहीं खरीदा, जींस खरीदनी है मैंने। जींस तो आपको थोड़ा शहर से आगे जाना पड़ेगा। शहर जाना पड़ेगा? हाँ। यहाँ कुछ नहीं है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो बस यहाँ तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में चल रही है अब तक। हाँ जी। तो मैं किसके साथ जाऊँ, मुझे पता? आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, आप नौकर के साथ जाओ ना। हाँ? उसके साथ जाकर के आप शॉपिंग करके आ जाओ, ठीक है? क्या आ, आ, अपना नौकर का नाम क्या है? क्या नाम है नौकर का? नौकर सिराज। ओ सिराज, ओ सिराज, जाओ बेगम साहबा को लेके जाओ शहर शॉपिंग सेंटर में। अच्छा अच्छा सर। मेरी मामा को बता देना, हो सकता है मुझे थोड़ी देर हो जाए। वो आपका मामा है क्या? मोटी सी औरत है। मेरी मामा। वो आपका मामा है ना? मामा मामू जी? नहीं मेरी मोम है वो। अच्छा मोम है। मोम की तो गुड़िया होती है, वो मोम का ढेर है क्या? कितने मजे की बात करी है। बहुत जॉली होती है। सो स्वीट। थैंक यू। चलो ये पटा रही है क्या इसको? ऐसा ही लग रहा है जैसे मैंने तुमको बताया था। रास्ता पता है ना? हाँ मुझे रास्ता पता है। चलो चलिए चले। अबे ध्यान से लगे रहिए बे। हाँ ओके। आप हर वक्त यही खड़े रहोगे, मेरे तो जमीन निकला रहेगा। हम जा रहे हैं अंदर। हाँ। सिर्फ तू इनसे हमारा कमरा खाली करवा दे। कमरा खाली, घर भी खाली हो जाएगा, बेफिक्र रहो यार। ठीक है। आप घबराते क्यों हो यार? शाह भाई आप क्यों घबराते हो? कौन साहब भाई? आपका कोई तो नाम होगा यार। ये है कांति। मैं हूँ इसकी शांति।
और ये है हमारी अशांति। चलो चलो। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक, तूने मुझे बचा लिया मेरे अल्लाह। ये भूतों के मोहल्ले में मैं कहां से फंस गया भाई? मैं तो अभी ये घर छोड़ के जा रहा हूँ, आज ही जुम्मा पड़ा है, आज ही ये लोग पल्ले पड़ गए। आज जुम्मा पड़ा है, दुआ मांगी अल्लाह मुसीबत से बचाइयो। जो ऊपर से दो तीन मुसीबतें मेरे पे छोड़ी है खाना खराब होने, समझ नहीं आ रही क्या करूं। अब मैं नौकरी का इस्तीफा लिख के तो यहां से निकल जाता हूं, ताकि मैं जाके सुकून के। आजी आया जी, आजी करो पिंकी, मुझे तो तुम्हारी मोहब्बत खरीद खेल चलाई है मुझे तुम्हारी मोहब्बत। लेकिन चाचा जान, आपको हमारी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? अरे बेटा बेटा, तुम्हारी जिंदगी का क्या भरोसा है जी? मेरा मतलब है कि मेरी जिंदगी का क्या भरोसा? मैं चाहता हूँ कि ये नेक काम अपने हाथों से कर जाऊं, ताकि कब्र में मैं सुकून से सो सकूं। और फिर देखो ना कि पप्पन में किस चीज की कमी है, कितना समझदार में बेटा मेरा पप्पन। आपका मतलब है हम शादी आपके बेटे से करें? हाँ हाँ, उस पागल से। अरे पागल कह रही उसे? अरे वो तो बड़ा समझदार हो गया अब तो। अरे कुल्फी तो पटर पटर खाता है इसे। हाँ हाँ, दर्जन दर्जन कुल्फी खा जाता है वो। देखिए चाचा जान, हमें आपकी बातें नहीं सुननी है, हम आपको बता रहे हैं। अरे आपको ये रिश्ता मंजूर है, मुबारक हो भाई, मुबारक हो। बाकी मुबारक हो, हमें शादी नहीं करनी है। अरे बेटा मैं चाहता हूँ कि घर की इज्जत घर में रहे, ताकि बाद में कोई परेशानी नहीं होती। कोई परेशानी नहीं होगी, अभी हमें अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करनी है और अब्बा जान के कहने के मुताबिक हमें डॉक्टर बनना है। अरे डॉक्टर, इसका मतलब तो ये है कि ना करो तुम, ये तो ना करने वाला बहाना हुआ। हमारा बेटा भी कोई गिरा गुजरा हुआ नहीं है, हम जहाँ चाहेंगे उसकी शादी कर सकते हैं। लेकिन हम तो चाहते कि हम नवाब लोग हैं, और नवाब कहीं ना रिश्ता लेते हैं ना रिश्ता देते हैं। अब चाचा जान, हमें शादी नहीं करनी है। अरे आप तो कह रहे थे वो कुल्फी खा रहा है, वो तो तिनका खा रहा है। भाई हो सकता है कुल्फी में मजा ना हो, तिनके में ज्यादा मजा हो। जी हो अब बाजी बड़ी फैटी अल्लाह की कसम, बाजी बड़ी फिटी अलग। ये बाजी है ना? ओ मेरा सोना बेटा, मेरा चवला चवल अब्बा। अब्बा इधर हो जा, इधर हो जा, मुझे बाजी से बात कर लेते। बाजी हाँ बोलो। बाजी आप मुझसे शादी करेंगी ना? ना मैं मजाक नहीं करो बेटे, मुझसे शादी करें ना, मैं आपका भाई नहीं हूँ। बाजी कर लेना शादी, क्या हुआ है? मैं तुमसे शादी करूँ, तुम्हें कौन से लाल लगे? लाल नहीं लगे हुए, लालियाँ तो लगी हुई है। देखो अब तुम बताओ, अब खुद बताओ कि क्या कमी है इसमें। देखो जी मेरे में गैरत की कमी है। बच्चा खुद बता रहा है उसमें क्या कमी। बाजी बाजी मेरी एक बात सुने, अगर मेरे साथ शादी करनी है ना तो ऐसे कपड़े नहीं पहने, कपड़े सही वाले पहने, मेरी तरह की निकर। हाँ फिर मैचिंग हो जाएगी, मैचिंग। मेरा गैरत मन बेटा, आए मेरा चबल अब्बा। भाई ऐसे बाहर नहीं जाना। क्यों क्यों? बहुत बुरे लोग रहते हैं। बुरे लोग कितने बुरे होंगे, मेरे अब्बा से ज्यादा बुरे हैं। बेटे बेटे नहीं बुरी बात। मेरे अब्बा जी, मैं आपको बताऊं, मेरे अब्बा जी बड़े कंजूस हैं, कसम से मुझे खाने को कुछ नहीं देते। मैं इन्हें कहता हूं मुझे सैंड क्रिच ले दो। हाँ सैंड क्रिच नहीं होता, क्या होता है वो? एक डबल रोटी का पीस होता है ना ऐसे, फिर बीच में चिकन होता है, उसके ऊपर दूसरा पीस होता है, तो वो होता है सैंडविच। वो सैंडविच नहीं, सैंडविच होता है। हाँ वही वही आप वाला सैंडविच। तो मैं इन्हें कहता हूँ मुझे सैंडविच ले रहे, तो मुझे चार के साथ सूखी रोटी दे देते हैं। कहते ये छिको बेटा, जान बनाओ छिको। ये क्या तेरे हाथ जल गए? तेरे मेरे हाथ नहीं जल गए, मैं साई हूँ साई। अब तुम बताओ किस चीज की कमी है इसमें? हाँ जी मेरे में किस चीज की कमी है? मुझे गौर से देखें बाजी। आयो है बाजी, बहु बेटी आयो है, आयो है, आयो है। अब्बा अब्बा इधर हो ना, बाजी बहुत फिटी है, अल्लाह की कसम। क्या बकवास करा रहे हो? अपने पागल बच्चे को लेके जाइए। अच्छा मैं पागल हूँ? तुम मुझे अपने साथ ले जाना, मुझे ठीक करा लेना।
ठीक करा ले तू। तू मोटरसाइकिल से ठीक करा ले। तो क्या हुआ, आपके पास मोटरसाइकिल है? बाजी नहीं पिंकी जी। आ भाई आओ, चल चलो, हाँ नेपी चेंज करा लो, चलो। हाँ जी, हाँ जी, नेपी चेंज कर। वैसे मैं तुम्हें सोचने का मौका देता हूँ, सोच लेना। हाँ बेटा। पागल हो गए सारे। आप इनकी जी कैसा लग रहा है अपने हवेली में आकर? बहुत अच्छा तायाजान, हमें अपनी हवेली बहुत पसंद आई। बहुत खूब भाई, ये हमारे अबाव अजदाद की निशानी है, हम बहुत खुश हो गए। बेटा बस हमारी जिंदगी में एक कमी है। हाँ। एक टेंशन है, तुम्हारी वजह से वो टेंशन खत्म हो सकती है। हमारी वजह से टेंशन खत्म हो सकती है कैसे? हाँ। बेटा हमें हर वक्त तुम्हारी शादी का ख्याल रहता है, हम चाहते कि तुम्हारी शादी कर दे ताकि अपने फर्ज से सुबुकदोश हो सके। ताया जान हम शादी नहीं करेंगे। क्या कह रही हो बेटा, क्या कह रही हो? तुम्हारे ताया तो हर वक्त तुम्हारे गम में रहते हैं, फिक्र में रहते हैं, सोते करवट लेते हैं तो तुम्हारी फिक्र रहती है कि बस पिंकी के बारे में सोचता हूँ, क्या करूँ, खाना खाते निवाला लेते तो कहते पिंकी का क्या होगा। पता है तुम्हारे गम में देखो कितने दुबले होते जा रहे हैं। अरे आप ये दुबले हो रहे और मैं इनके गम में मोटी हो रही हूँ। देखिए आप ना मेरे गम में दुबले हो ना आप इनके गम में मोटी हो, अगर आपको फिक्र करनी है तो आप अपनी बेटी की शादी की फिक्र करें। अरे भाई आप भी तो हमारी बेटी हो, हम चाहते हैं कि तुम वहाँ शादी करो जहाँ हमें पसंद है। इनकी बहन का बेटा है। हाँ। बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी शादी हम उससे करेंगे बेटा। मगर क्यों, आपको अगर इनकी बहन की बेटी से शादी करनी तो अपनी बेटी की करें। अरे हमारी बेटी उसके काबिल नहीं है। हाँ बेटा वो काबिल नहीं है। ताया जान हमें शादी नहीं करनी है, प्लीज हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। अच्छा करेंगे, शर्फू पता नहीं कहाँ है, शर्फू कर लो बेटा कर लो। शर्फू इन्हें समझाओ ये हमारी शादी के पीछे पड़ गए हैं। शादी के पीछे क्या, बारात में से कुछ चीजें लेके भाग रहे हो? नहीं नहीं ये बात नहीं है। क्या हुआ, क्या हुआ, मुझसे बात अभी कराएंगे, अभी कराएंगे। जवान लड़की है ना। हाँ तो क्या मतलब, इसको बूढ़ा कर दे, क्या करें? नहीं नहीं मतलब ये नहीं, आप जब जवान बच्ची भी हो गए जवान ना हो, आप बूढ़ी हो गए जवान बन रही हैं, आप क्या चाह रहे हैं? आपको खुदकुशी कर लूँ मैं? अरे तुम क्यों कर रहे हो खुदकुशी? नहीं मेरा मसला क्या, मुझसे क्यों मछुआरा करते हो, वकील हूँ तुम लोगों का। नहीं नहीं वो पिंकी कह रही है। आप बात सुनो नवाब, देखो नवाब साहब आप मेरे भाई हो बड़े। अबे हम तुम्हारे भाई नहीं, तुम हमारे मुलाजिम हो, गुलाम इब्ने गुलाम। ठीक है चलो मान लेते हैं ये भी सही है। और ये तुम आते किस तरह इस तरह अकड़ आकर के भाई, ये क्या है भाई? मेरे अपने अंदर फितरत में गरूर है, क्या करूं? इंसान फितरी फितरी गरूर हूं फितरी। अबे पूतनी के आराम से, खुदा की कसम सब सुन रहे लोग। कौन सुन रहे, कौन सुन रहे? आप और गालियां दो, सुन रहे हैं जिन पे गालियां पड़ रही है वो सुन रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जिन पे गालियां पड़ रही है ना वो सुन रहे हैं। अरे कौन सुन रहे, पागल हो गया लगता मुझे। सुनो बाएं बाग में जाकर। बाएं बाग में, बाएं बाग में वो कौन सा जो पीछे है? अच्छा वो छोटी सी घास है उसको बाएं बाग में, बड़ा अच्छा बाग। अरे सुनो वहाँ पर स्प्रे करवा दो। हाँ। और वहाँ पर रोशनी कर दो, रोशनी जगमगाती रोशनी। रोशनी नहीं हो सकती, मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? वहाँ सदियों से अंधेरा अंधेरा ही रहेगा, आपको नहीं पता, मैं नहीं करूँगा भाई, मेरे को वहाँ जाते डर लगता है। अच्छा ये मगर कमरे में लोबा लोबा लगाओ, अगरबत्ती जलाओ, कैसी स्मेल आती है? अरे अगरबत्ती लोबा खाओ, मेरे को मरवाने वाले काम नहीं करो। क्या मेरे को जानते हैं अगरबत्ती और लोबान वाले? तो क्या हुआ, ये क्या बात हुई, क्या उठपटांग बातें कर रहे हो, जो हम कहते हैं वो तुम क्यों नहीं करोगे, तुम्हें करना पड़ेगा। करूंगा भाई करूंगा, बोलो क्या क्या करना है। जगमगाती रोशनी होनी चाहिए, जगमगाती रोशनी बाग में। स्प्रे करवा दो, स्प्रे करा दो, जाले साफ करा दो, करा लो, जहाँ पर अंधेरा है वहाँ रोशनी कर दो, कर लो कर लो। भाई मेरी तरफ से ज्यादा देख करो ये सारे। ओए आप बकवास है, किधर मैं आ गया हूँ, क्या हो रहा है ये? बॉस चर्फो तुम मान जाओ ना, क्या है? मैं तो कह रहा हूँ मेरा क्या दखल, मुझसे पूछते क्यों, मैं कौन? तुम मतलब तुम हमारे पुराने मुलाजिम हो ना? इतना पुराना भी नहीं हूँ, तुम सब में बच्चा हूँ मैं, आपके बच्चों की तरह हूँ मैं। बच्चों की तरह नहीं हो तुम। चलो ऐसा करो तुम नहीं करो, कोई और नौकर होंगे उनसे करवा लो, ऐसा करो। ठीक है और कोई नौकर नहीं है, एक ड्राइवर है, एक माली और मैं हूँ। तो फिर मैं ही मैनेजमेंट चला रहा हूँ सारा। तो फिर तुम खुद कर लो। इस सोफे पे आप ना बैठिएगा, इसके स्प्रिंग बैठे हुए। क्या कह रही, चलो ऐसे ही लाभ कर ले रही हो। चलो सही, चलो बस सारे काम कर दीजिएगा। ठीक है ये क्या किया पीछे से? हाँ? ये क्या किया मैंने? इसे क्या कुदरत तेरे रंग निराले।
कुदरत तेरे रंग निराले, जिसमें भी कोई ऑब्जेक्शन है? नहीं नहीं, इस तरफ जा रहे हैं किशन की तरफ। जी जी, दो चाय ले जाइए। आपस में कोऑपरेट करेंगे जिंदगी गुजरेगी यार। जमहूरियत किसी का नाम है भाई? जमहूरियत को अपनाओ। कब अपनाओगे, इतने बड़े हो गए। ठीक है, इनकी तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ, तुम्हारी वजह से। मेरी वजह क्या वजह है? तुम्हारी वजह से छोड़ रहा हूँ। मैंने क्या किया? मैंने तीन तीन महीने की तनख्वाह छोड़ी है, आप तो सिर्फ छोड़ रहे हैं। हमने कहाँ छोड़ी है? आप जाएं, बच्चे रो रहे हैं आपको देख के। लाया हमारी समझ में नहीं आ रहा, इन सबको हमारी शादी की इतनी फिक्र क्यों है? पता नहीं क्या हो गया इनको, इनकी छुआरों की दुकान तो नहीं है? अरे आपकी शादी के पीछे पड़ा हुआ भाई, जब करनी होगी मैं खुद ही कर लूंगा बस। तुम क्यों करोगे, हम खुद कर लेंगे। अच्छा हाँ, हमने तुम्हें एक काम कहा था। क्या हुआ? बस ऐसे ही ताश में अचानक तीन इक्के निकलते हैं, कितना घबराता आदमी। मेरे तीन इक्के निकल आए। शर्फ, हमने तुम्हें एक काम कहा था। जी जी, हमने तुम्हें कहा था कि हमें मालूम करके बताओ क्या किसी पुरानी जगह पे भूत आ रहा है। भूत भूत तो नहीं है, भूत तो हमने कभी देखा ही नहीं। देखे नहीं, लेकिन होंगे तो ना। पता नहीं होंगे नहीं। वहां बैठो ना, बैठो ना, अब बैठो ना। आप लोग भी कहीं घूमो फिरो ना। आप ठीक ठाक है? हाँ शर्फू, मैं आपको भूतों से क्या दिलचस्पी है? मैं उनकी जिंदगी के बारे में लिखना चाहती हूँ। वो कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे गायब होते हैं, कैसे सामने आते हैं, पोनिया करते हैं। पोनिया? उनकी मर्द पोनिया करते हैं, औरतें कंजिया करती है, बच्चियां बिल्कुल इतनी चीजें होती है। इतनी चीजें? हाँ। तुमने देखा है? नहीं देखा तो नहीं, अंदाजे हैं मेरे। नहीं नहीं नहीं, हमें अंदाजे ना बताओ, हमें हकीकत बताओ। हकीकत में किसी दिन आपको मैं भूत दिखाऊंगा। तो दिखाओ ना। दिखाएंगे ना। कहाँ है? पता नहीं, किसी कब्रिस्तान में। हाँ कब्रिस्तान चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, आप भी चलिएगा। तो चलो, सारे मुर्दे बाहर आ जाएंगे। क्यों? आपको देख के, पाकिस्तानी मुर्दे है ना। एक और जाए तो दस कब्रों में से निकलते। कौन आया, कौन आया, कौन आया? ओहो शर्फू, हमें भूत देखने हैं। मियाँ, भूत देखने? क्या ख्याल है? क्या इसको भूत दिखा दे? दिखा दो। वैसे ये बहुत अच्छी लड़की है, ये उसी आदमी की बेटी है जिसने हमारे लिए कमरा मखसूस कर दिया था, हमें डिस्टर्ब ना करने के लिए। इस लड़की की वजह से तो हम यहाँ रुके हुए हैं। बिल्कुल सही, वरना उस दाढ़ी वाले को तो मैं तब का नोच के खा जाऊं। इंतहाई कमीनी शख्सियत है वो, इस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है कि जायदाद खाने के चक्कर में। शर्फू यहाँ आओ। शर्फू। हाँ जी। मैं जरा अभी आ रही। आप आयो। ठीक है, मैं जरा फैक्स कर लूँ। ठीक है, मैं तैयार हो गया, वो आ रही हूँ। हाँ। तुम्हें मेरे साथ चलना है। अच्छा जी, अच्छा जी। मियाँ, वैसे है पोपट? अगर मैं इंसान होता। नहीं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अमरदार, यही वो लड़की है शर्फू। हाँ जी। जिसकी वजह से हम यहाँ रुके हुए हैं। हाँ। इसके बाप ने हम पर एहसान किया था, इसकी मदद करने के लिए ही हम यहाँ रुके हुए हैं। मुझे जाने दो, कोई मेरे बाप का भी एहसान याद करो, चाहे हो। हम तुमको जाने दे सकते, तुम यहाँ पर ही रहोगे। तुम हमको देख चुके हैं, तुम हमारी बदनामी करवाओगे बाहर जाके कि यहाँ जिन भूत है, फिर हमारे लिए मसला पैदा करोगे, इसलिए तुम कहीं नहीं जाओगे। बिल्कुल सही। और कल हमने तुमसे उर्मिला का गीत माला मंगाया, तुमने बदर मुनीर का गीत माला लाके दे दिया। मियाँ, तुम ये क्या काम करने लगे यहाँ पे? चलो अखबार पढ़ के सुनाओ मुझे। मुझे पढ़ने कहाँ आता है, मैं तो फोटो देख के एंजॉय करता हूँ। मियाँ, काश तुम जाहिल ना होते। पढ़ो, खबरें सुनाओ हमें। लो, मैं भी आप जैसे ही हूँ। मैं इंसान भूत हूँ। जा ही नहीं, जा नहीं सका, पता क्या, पढ़ नहीं सका, गुर्बत की वजह से। गुर्बत की वजह? 100 रुपए होंगे आपका। जाओ बेरी के पेड़ से तोड़ लो। बेरी के पेड़ से 100 रुपए तोड़ लो। हाँ, हमारी करेंसी वही है ना। आप जो भी करेंसी हो, बराए मेहरबानी आप एक हद तक महदूद रहे। आराम से बात करो, तमीज से, एक फूंक उड़ा देंगे तुमको हम। कोई अंधी लग रही है? अंधी क्या, हम अंधी मचाते हैं, याद रखना, हम भूत भूत नहीं आए।
जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ ये बहुत सारी भूतनियों में भी यही होती है, ऐसी टेंशन वाली औरतें। और मियां से तमीज से बात करो। क्या करोगे बंदा तुम, क्या करो? अबे बिल्कुल इंसानों की बीवियों की तरह यार। अबे वैसे ही मार रही है, खुदा की कसम यार, बिल्कुल आप रुकैया की तरह। यही हो रहा है, घर घर में शोहर पिट रहे। डेरा करो, डेरा करो, मुझसे डेरा करो। इस बच्ची का कुछ सोचा, कोई देव होगा? हमारी बच्चियों के रिश्ते बड़े तय करते हैं, समझ आइए ना। आपसे भी बड़े कोई है? बहुत बड़े हैं हमारे से, बहुत बड़े हैं। उन्होंने तो निकाला हुआ हमको दुनिया के अंदर, हमने गलती कर दी तो उन्होंने सजा दे दी, हमारी ताकतें जब्त कर ली, बस कुछ ताकतें छोड़ के। एक मर्तबा एक आदमी ने मुझे तरबूज में बंद कर दिया। ओहो। एक आदमी दूसरा आया, तरबूज उठाकर ले गया, उसने तरबूज काटा, अंदर से मैं निकला हूँ, मुझसे फरमाइश कर रहा है कि मुझे प्लाट दिला दे। मैंने बोला अगर मैं प्लाट दिला सकता तो मैं पागल का बच्चा था, तरबूज में रह रहा था। इंसान बहुत लालची है। बहुत, ये बात तो इंसान में है, ये क्वालिटी है। बहुत लालची इंसान, बहुत लालची इंसान है। इनके दिमाग के अंदर पैसा ही भरा हुआ, पैसा हर चीज में पैसा। 100 रुपए आपके पास? हम इंसान नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, इंसान में लालच भरा हुआ है। कमेटियां डालोगे, सुजुकियां मिल रही है किस्तों पे। हमें तो जरूरत ही नहीं सुजुकी पे, हम तो हवा को कहते हैं, वही हमें लेके चली जाती है उधर। अच्छा बस, किसी ने मेरे को फिराओ ना अपने साथ, मैं लोगों के मकान ऊपर से देखना चाहता हूँ। ऊपर से? ऊपर से देखने की जरूरत नहीं, बॉसों के गुसल खाने की छतें भी नहीं होती। उस्ताद तो इसका मतलब है आप तो फिरते रहते होंगे। अबे हसरा भूत, हसरा भूत। अबे पहले तो मैं देखा भूत हसरा कितना फाल बस यार, भूतों में अभी यही फैमिली प्रॉब्लम है। नहीं, ये कभी कभी छिछोरा हो जाता है। बस आज से हम तुम्हारे साथ साथ ही हैं, बस। देख खुदा के वास्ते कुछ देर अलग ही रहो यार, बंदे ने कहीं आना जाना भी होता है। कहाँ आना जाना होता है, हमको बता के जाया करो, हमें तुम्हारी खबर रखनी है। मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगा, घर के अंदर ही हूँ। पक्की बात है? हाँ। देखो झूठ नहीं बोलना दूसरे इंसानों की तरह। नो नो नो, समझ आई ना? नो नो, फायदा हो गया। चलो मियाँ, अब आओ। टन मेरे में क्या खास बात है जो मुझे नजर आ रही है? मेरी कुछ स्पेशल आंखें हैं क्या? शर्मा, क्या हो गया शर्मी? क्या हो गई, क्या हो गया शर्मी? क्या हुआ है? अरे मैं आराम करने लगा हूँ, ये मेरे पेटी में से ये मेरे जान के कौन ले गया? कच्चा मेरा कौन ले निकाल के ले गया? कोई कच्चा मेरा कौन निकाल के ले गया? चड्डी मेरी। कच्चा चड्डी क्या कह रहे हो? अरे क्या कह रहे हो, क्या कर रहा हूँ मैं? सलवार कमीज मेरी गायब हो गई है, कच्चा पहन के सोता हूँ, सोने वाला कच्चा मेरा गायब हो गया, कौन लेके जा रही है ये? मुझे क्या पता, मैं यहाँ पे कच्छों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एक बात मैं बता दूँ, मेरे कमरे से एक चीज मेरे बगैर पूछे ना इधर जाए ना उधर जाए। कहाँ जाए फिर? कहाँ? अब्बा जी, अबे बेटे, अब्बा जी, मेरी निकर तो नहीं पहन ली आपने? मेरी निकर किधर गई उधर से? अरे मुझे क्या पता कहाँ गई वो, मैं शर्मू से पूछ रहा हूँ। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। कुछ समझ नहीं आ रही, तुम लोग करो तुम्हारा। कमीने, हाँ जी, ये क्या कह रहे? पता नहीं सी यही है। मैंने कसम से नहीं मारा, मुझे तो नहीं पता। मियां इसके सूरज पे मारो। मैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। क्या हो गया अब्बा? क्या बेटे, ये क्या हो रहा है? पहले तुझे पढ़े, अब मेरे हाथ मेरे मुंह पे पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। हो गया, गया, हो मुझे गया, नहीं पता गया, लग गया, रहा गया। मुझे नहीं पता लग रहा। अरे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शर्फ भाई जाना, आप क्यों मार रहे? बात सुनो यार, आ आ आ आ आ शर्फ, ये क्या कर रहे हो? ये मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे आई आई आई, अब मैं क्या करूं? हाथ खुद पे खुद आता है, हाथ खुद पे खुद आता है, तो मोटर लगी हुई खुद पे खुद आता है। मुझे नहीं पता लग रहा, कसम से खुद पे खुद आता है। देखो यार ऐसे नहीं करो, तुम्हारे वाली ने यार क्या होगा? मेरे अब्बू को मारा, मेरे मेरे अब्बू को। अब्बू ये क्यों पढ़ रहे, क्यों हो रहा है? मियां शर्फू भाई, भाई कुछ नहीं कुछ नहीं, अल्लाह क्या कोई मतलब नहीं, कौन सा आराम 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 आराम। ये आपका अकेले का बच्चा है या बीच में कोई स्पॉन्सर भी है? किसने की? ये मेरा बेटा है, खुद का जाती। हाँ जी हाँ, आप लोगों के घर में पैदा हुआ है ये? जी बिल्कुल, मेरे घर में पैदा हुआ है। उसको क्या वजह, इसको अच्छा घर नहीं मिला? अरे भाई नवाब फैमिली का
ये खानदान का नवाबों ने कभी ऐसे नेकर पहने? मेरे अबू कहते हैं कि मैं नवाबों का बच्चा हूँ। पता नहीं कितने नवाबों का बच्चा है तू। नवाबों का? हाँ मियां, नवाब का नहीं है तू, नवाबों का बच्चा है। हाँ मियां, ये नवाबों का बच्चा है? ये नवाबों का बच्चा है? मुझे तो कुत्ते का बच्चा लग रहा है। चलो मेरी एक बात सुन लो, बस ख्याल कर रहा है। हाँ समझ गए मियां। अब्बा मुझे नहीं पता लग रहा ये क्या हो रहा है। अब्बा क्यों पढ़े हैं? यार मेरा हाथ तो रिलीज करो यार। सूरज चमका के आया था मेरी आंखों में। इन लोगों को इसी तरह से सजाएं दी जाएंगी वरना ये ऐसे नहीं जाएंगे। बिल्कुल, इनको डरा दो, खौफ ज्यादा कर दो ताकि ये जल्दी से हमारा घर खाली कर दे। अरे हो जाएगा, आप इस तरह करोगे तो कैसे होगा? तुम लोग तो छिछोरे पन पे उतर आए। हम भी तो कितने परेशान है, कितने सुकून से रह रहे थे यहाँ पे। एक कोने में सो जाना तीनों वहां पे, जाओ। ये क्या बात हुई, तुम हमें मशवरा देने वाले कौन होते हो? क्या हुआ? वो मार्केट है, लंडा बाजार। लंडा बाजार है? मेरे शॉपिंग सेंटर जाना था। वो ये कहाँ शॉपिंग सेंटर, यहाँ तो लंडा बाजार ही है। यहीं के लोग पहन पहन के बता दे, तू वहीं से ले गया। मैंने तुम्हें कहा था शॉपिंग सेंटर। आज देखिए मैं आपको अभी चाय वाय कॉफी वॉफी को लेकर मैं शाम को आपको खुलने से चलूंगा बाजार। ठीक है, और वो डांस पार्टी का क्या किया? डांस पार्टी का इंतजाम हो जाएगा। यहाँ पीछे की तरफ लेते रहो, बड़े जबरदस्त वहाँ पीछे की तरफ रहते हैं। वो लोग पीछे की तरफ रहते हैं। वो लोग जो है वो लोग नहीं करो खुदा की कसम, ये गलत बात है। क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, ये गलत बात है। किसी की माँ बहने ये गलत चीज है, खुदा की कसम ये गलत। ना अपने आप बात यह कि आप यहाँ पे डांस पार्टी ना करो, हो सकता किसी को बुरा लगे। किसको बुरा लगेगा मेरी बात? हो सकता किसी को बुरा लगे डांस पार्टी। ये तो क्या कर रहे हो? ये मैं नहीं कर रहा। कौन कर रहा है? ये साइंसी काम हो रहा है। ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी। आप उठ जाए साइंस लिबर्टी ना खुल जा गई। बीमारी हो गई है। तुम बहाने करके अच्छा? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, खुदा की कसम ऐसी कोई बात भी नहीं है। ये क्या हो गया तुम्हें? डैडी को बताऊंगी मैं। नहीं खुदा, अल्लाह खुदा का, आपको खुदा का। तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? माँ की कसम है। तो तुमने मुझे हाथ क्यों लगाया? काट दो यार इसका अंगूठे में, पता नहीं क्या है। किसके? मेरे। चेकअप करवाओ अपना। कराऊंगा जी, बहुत बड़ा चेकअप होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं, दूर ही खड़ा हो जाता हूं। मैं तुम्हें कह रहा हूं डांस पार्टी का इंतजाम करो। डांस पार्टी होगी और जरूर होगी। जरूर होगी, मैं किसी से डरती नहीं हूं। हां जाएगी ना, मैं अपने डैडी से ना अपनी मामा से। जकूती इसकी चोटी खेच, चोटी खेच। है क्या? हां ये क्या कर रहे हो तुम? हां तुमने मेरे बाल खींचे? मैंने नहीं खींचे, खुदा की कसम मैंने नहीं खींचे। पागल हो? मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। आप क्या बात कर रही हो, मैं इस किस्म का इंसान लगता हूँ क्या? अबे मेरा हाथ खोल दे। तुम क्या कर रहे हो? कुरान कसम पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ। यहाँ पे कोई बहुत बड़ा केस होगा, बता रहे हो मैं। तुम खुद कर रहे हो सारा कुछ। अल्लाह की कसम मैं नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह की कसम खाते हो तुम? मैं नहीं कर रहा हूँ। जब कोई है, कोई ताकत है। कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है। हो सकता अमेरिका हो, कोई ताकत है, या रशिया या अमेरिका। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया। डैडी और मामा कहाँ पर है? पता नहीं कहाँ पर है, पूरे हवेली में फिर रहे। पता नहीं कहाँ कहाँ फिर रहे हो।
कौन? डैडी और मामा? हाँ। क्यों? पता नहीं, I don't know। बेबी कहाँ है? अरे जाके देख लो भाई, मेरे को क्या पता। चलो ठीक है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। अरे यार आप लोग तो यार बहुत ही चोर लोग हो। क्यों? आप लड़कियों मेरे ऊपर गिरा रहे हो, मेरे को लड़कियों ऊपर गिरा रहे हो यार, केस करवाओगे? इस केस की तो जमानत भी नहीं होती और पूरा मोहल्ला अलग मारता है इस केस में। यहाँ तो आते जाते मारते लड़कियों को छेड़े पाप। यहाँ तो लोगों को शौक है ऐसा केस में को मिले। आओ भैया। मिया इस मनुष्य की शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, चलो चला। आपने सारी हवेली देख ली? बड़ा मजा आ रहा, सब देख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। शर्फो। हाँ जी। हमने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जी सर। बात ये करनी कि तुम पिंकी के बहुत करीब हो, पिंकी के हर वक्त साथ रहते हो। पिंकी नहीं, पिंकी। पिंकी? आप कहते हैं पिंकी। वो मेरे नाक में कोई प्रॉब्लम है, उसको हड्डी का ऑपरेशन कराया। पिंकी के करीब रहते हो, क्या तुम ये बता सकते हो कि पिंकी का आइडियल क्या है, किसको पसंद करती है, कैसा खावन होना चाहिए उसका? बहुत अच्छा सवाल किया नवाब। सवाल बेहतरीन चीज। चरफू नवाब मेरा सिगार मुझे दे दो ना। बात ये नवाब साहब। जी जी। कि जो पिंकी बीबी है ये रहम दिल है। हैं? ओहो ऐसी वैसी। वेरी गुड। फकीर एक रुपया मांगे 100 देंगे। अरे वाह। एक पेमेंट लगा फी पेमेंट 1000 रुपए देंगे। गरीब आदमी को सीधे से लगाती है, दुखों को बांटती है। भाई मैं कहता हूँ ऐसी मैंने अल्लाह वाली लड़की नहीं देखी। वाह वाह, ये तो फकीर आ जाए ना घर दे देगी घर। फकीर घर दे दे। तेरे भांजे को ना फकीर के रूप में लेकर आते हैं। अरे अरे रिश्ता मंजूर कर लेगी वो। हाँ तो गरीब होना कोई बुरी बात थोड़ी है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाई कि गरीबों से वो प्यार करती है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ, मेरी बहन का बच्चा आ रहा है ना, मेरी बहन का बेटा आ रहा है ना, मैं उसे बता देती हूँ कि उसको गरीब और फकीर टाइप के लोग पसंद है। ठीक है ना? देखो इनका भांजा आ रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर तो तुमने हमारी हमारी मदद करनी है। ठीक है, चलो चलते हैं। क्या मदद करूँ? मेरा मतलब है कि रिश्ता हो जाए इसके भांजे का। रिश्ता करवाना, ये बात करो ना खुलेआम। हम दो कष्ट हो, दो कष्ट हो। हम तुम्हें इनाम देंगे, इनाम। ठीक है, इनाम मुझे दे देंगे आप। हाँ पर ठीक है, आप बेफिक्र रिश्ता हो जाएगा। वेरी गुड। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो आने वाला है ना, ये सगा ताया मनुष्य बच्ची की जायदाद के चक्कर में है, मैं खुद इसी चक्कर में हूं। मैं सोच रहा हूं ना करे ये सारे मर जाए। शर्फू शर्फू भाई, हमें पता लग गया तुम अच्छे आदमी हो। बड़ी मेहरबानी। अखबार में आया? हाँ। नहीं नहीं, हमने मैसेज रेडियो में सुना। नहीं नहीं, CNN पे देखा। नहीं फिर झूठ क्यों बोल रहा? हमने महसूस किया कि तुम बंदे। महसूस किया? मुझे महसूस किया? तुमने मुझे महसूस किया? हाँ। भाई मेहरबानी, तुमने मुझे महसूस किया? नहीं नहीं, इसका मतलब मैं महसूस होता हूँ। तुम आदमी अच्छे हो। वैसे ही तुमसे एक बात पूछ रही थी। बोले बोले बोले। ये जो भतीजी है हमारी। हाँ। पिंकी। हाँ। इसे किस किस्म के आदमी पसंद है? पता नहीं, मेरे सामने तो कोई आदमी आया नहीं। शादी के बारे में बात कर रहा हूं। इनका आइडियल। हाँ। इनका आइडियल वो आदमी इनको पसंद है जो बोल्ड हो, बोल्ड। अच्छा। बदतमीज। हाँ। रफ टफ। हाँ। माँ बाप को ना पसंद करने वाला, माँ बाप को गालियां देने वाला, बन गया इनको पसंद। बन गया काम, बन गया काम। एक बात तुमसे और करनी थी मैंने। हाँ। वो मेरे पास दो तावीज है, एक इधर बांध लो एक इधर बांध लो। नहीं समझे नहीं, तावीज है दो मेरे पास, अपने आदमी हो तुम तो। अगर तुमने ये काम कर दिया ना जो मैं चाह रहा हूँ तो तुम्हें 2000 दूंगा। अच्छा। हाँ हाँ नाइस। हाँ काम कर, 2000 के लिए तो मैं बंदा मार देता हूँ। तुम्हें इनाम देंगे, तुम्हें तो पता हम नवाब है। पता नहीं मुझे इसका पक्का पता नहीं, मैं पैसे की बात करो भाई। अरे तुम्हें मालोमाल कर देंगे हम, ये घर ही देख रहे हो। हाँ नहीं लिए हमने। ठीक है। हाँ ये दो तावीज है, ये किसी तरह पिनकी को पिला दो। पिला दो। एक है ये गुस्सा ठंडे करने वाला और दूसरा है मोहब्बत करने वाला। मोहब्बत करने वाला, गुस्सा कम होगा तो मोहब्बत करेगी। हाँ। मोहब्बत करेगी तो आपके लड़के से शादी कर लेगी। हमने पहले कहा था तुम तो आदमी काम क्यों भाई? बहुत नैश है भाई तू, बहुत नैश। हाँ। जाओ बेफिक्र हो जाओ, 2000 का इंतजाम करो कहीं से, इधर तो उधार पकड़ लो जाओ। नहीं नहीं है तो है तो निकालो, बड़ा मैं आ रहे हो। हाँ। 5 मिनट में आ रहे हो। हाँ। पिंकी मोहब्बत करने लगे और मेरे लड़के से शादी कर ले। हाँ।
ये किसी का ऑर्डर है? अरे छोड़ ऑर्डर, किसी का ऑर्डर है? देखो मेरी बात सुनो बेगम साहिबा, क्या हो गया बदतमीजी कर रहे हो? के लिए किसी का ऑर्डर है, ये रिश्ता भी ठीक नहीं है। अरे बात अल्लाह तुझे खुश रखे। बस अल्लाह जो करेगा सब खुश होंगे। आप कलेजा ठंडा हो गया। बस जी आप ऐसी ठंड पड़े क्या देखे आप शतू? हाँ जी शाबाश, अब तो दिल चाहता है तुम्हें हम मालूमाल कर दे। शुक्रिया, आपके हालात ऐसे वरना मैं ज्यादा पैसे मांगता। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पैसे तो काफी हमारे पास, ये देखो। चल यार माठा नहीं कर, दे दे। ठीक है चलो भाई, वो देख लिया हमने सारा कुछ इंतजाम कर दिया। चलो चले जरा तैयारी करने, वो तुम्हारा भांजा भी आ रहा है। हाँ ठीक है। हाय पापा, तुम कहाँ आ गए थे? अभी जब तुम सामने नहीं होते हो ना, मेरा बिल्कुल दिल नहीं लगता। जब तुम आ जाते हो ना मुझे बड़ा सुकून मिलता है। गड़बड़े बहुत अच्छे लगते हो। गड़बड़े गड़बड़े क्या है ये? गड़बड़े ये गड़बड़े, ये बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। अपन करके आ रहे, अपन करके आ गए। तुमने मेरी आंखों से उछल मत हुआ मुझे सब तमीजी है। अरे भाभी भाभी खबरदार करो, भाभी भाभी भूबर कर दे, ये क्या हरकतें कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो? बड़े भैया बड़े भैया, मुझे मुझे तुम पर पहले ही शक था। अरे क्या कर रहे हो? इसको पकड़ो। मम्मी आती भाभी के साथ, ये भाभी माँ होती है, भाभी माँ होती है। शर्फू पकड़ के रखो, इसकी बीवी मरी हुई है। पप्पन, मेरे पप्पन। क्या हो गया, ये समाज क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, आप बस आपको समझ नहीं हर बात। बड़े भैया बड़े भैया, आपको गलतफहमी हुई है, वो तो मेरी माँ की जगह है। माँ की जगह है? माँ तो नहीं है ना, मुझे इसमें पहले ही से मुझे नफरत थी, अब और ज्यादा नफरत होगी। चलो बेगम तुम्हारा भांजा आ रहा है। मैं पप्पन के बगैर नहीं रह सकती। पप्पन शर्फो इसको पकड़ के रखो। कह देना पप्पन, कह दो मेरे बगैर रह लो, कह दो रह लो मेरे बगैर रह लो। आगे जाके कौन आगे पानी है क्या? क्यों नहीं जा रहे? पकड़ लेगी। रह लो मेरे बगैर, रह लो। चलो चलो रह लो। आप क्या हो गया, कैसी बातें करे? क्यों डांटते पप्पन भाई को? भाई आ गया इंजन, इंजन पटरी पे आ गया। लग रहा है मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही, ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो रहा है। वो लड़का आ रहा है जिससे रिश्ता करना है, फकीर के रूप में। चलो चलो। ये क्या हो गया भाई? ये क्या हो गया? माफ करना बबन भाई, मैंने आपको पीटा पीटा बात को संभाला है। शुक्रिया। गड़बड़ हो गई, बात नहीं खुली। वो आपकी भाभी ने वो पी लिया था तावीज। अरे अब तुम फिक्र नहीं करो, मैं दो तावीज ऐसे और लेकर आऊंगा कि जादू सर चढ़ के बोलेगा। हाँ कहाँ चढ़ेगा, सर पे तो भिस लेगा। कैसी बात है, सिर्फ 15 मिनट के लिए वो पी ले, सिर्फ सैरी तो करवानी है। आपका ख्याल है वो पिंकी पिए, साइन करे जायदाद आपके कब्जे में। यार अल्लाह चाचा दे तो ऐसा दे, ऐसे चाचा कहाँ मिलते हैं दुनिया में? नहीं ए अजीम चाचा, इस पे लाखों लाना तेरे। ठीक है, सब खुल गए मेरे सामने, सब खुल गए तुम। ठीक है, ये लेके जाओ, ये लेके जाओ, चले जाओ, ये भी लेके जाओ। ताबीज लेकर आ रहे, मोहब्बत हो जो बस। मैं सलाम भजन मैं जा रहा हूँ, या तो आप सबके सामने खुल के सामने आ जाए, या मुझे भी नजर ना आए। शर्फू मेरी आंखें इतनी बुरी नहीं है कि मैं ये चीजें देखूं। यही हम तुम्हें बताने आए हैं कि हमें वो बच्ची अच्छी लगी है, हम अपने आप को उसके सामने जाहिर करना चाहते हैं। हाँ, वो हमारे बारे में जानना चाहती है, हम उसको अपने बारे में बताना चाहते हैं। वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है, उसे बुला, हम उसके सामने खुलेंगे। हाँ?
हम उसके सामने खुलेंगे। भाभी में टच है, इंसानों वाला टच है, इंसानों वाली तीन चार हरकतें मैंने देखी है भाभी माँ में। खबरदार भाभी ऐसा ना करो, जिंदा इंसान के फेफड़े नजर आते हैं अंदर से। मैं बुला के ले रहा था उनको, पिंकी जी को। हाँ। आप उनके सामने बता दें ताकि उनको भूतों को देखने का शौक है। हाँ, हाँ, उनका शौक पूरा हो जाएगा। हाँ, राइट राइट। ये बच्ची नहीं बोलती क्या बात? हमारे यहाँ बच्ची नहीं बोलती, बड़े बोलते हैं। और बड़े बहुत ही बोलते हैं। अच्छा भाई मैं बुला के लाता हूँ पिंकी साहेबा। बात सुनो, बच्ची आ रही है, खबरदार जो उसकी हरकतें अपनाई तुमने। चरपू आ गई, आ गई। जी कहाँ हो तुम? कितनी प्यारी है। जाऊं जी मैं। चलो भाई खुलो। किसे कह रहे हो? अभी खुलेंगे पता लगेगा किसको कह रहा हूँ। मियां मैं खुलूं पहले? चलो कभी घर लेके चलो, कभी घर लेके चलो, कभी घर लेके। मिया अब तुम खुलो, लेकिन जरा दूर से खुलना। यार तुम लोग बार बार खुलते रहो। ये क्यों चीखी? मेरा हुसन बर्दाश्त नहीं हुआ उससे। ये बच्ची भी खोल लो। बच्ची जाओ। ये कौन है? ये कुवैत के सफीर हैं। एक्चुअली मैं आपको बता दूं क्या है। आप ये तो बहुत भयानक है। भयानक नहीं है, आपको बहुत शौक था ना भूत देखने का। हाँ? ये भूत है। ये भूत नहीं है। भूत है, हम भूत है। मैं भूत हूँ, ये भूत नहीं, और ये भूत नहीं की। क्या हो गया मिया? हाँ? मेरे मुंह पे गाली दे रहे हो मुझे, भूत नहीं की। ये हमारे यहाँ गाली है, आपके यहाँ तो ये नेशनल अवार्ड है। चलो आज हम बहुत खुश हैं, हमने भूत देख लिए। मैं इतना खुश हूँ कि दिल करता है अपनी आंखें आती है मैं दे दूँ कि मैंने भूत देख लिए। देखो लड़की, देखे ये आपके हमदर्द हैं। हाँ, अच्छा ये पिंकी बीवी है। हाँ, बड़े नवाब की बेटी है। हाँ, पता है, तुम्हारे अब्बा बहुत अच्छे आदमी थे, हमसे बहुत प्यार करते थे, हालांकि हमारे बारे में जानते थे, लेकिन हमसे कभी भी नहीं डरे, बल्कि हमें एक कमरा हमारे लिए मखसूस कर दिया था जिसमें कोई नहीं आता था, ना वो किसी को आने देते थे। देखा, ये होती है बात, माँ बाप की हुई भलाई बच्चों के सामने आती है। आपके वालिदैन नेकी कर गए, आज भी आपके अंदर। अब हम तुम्हारी हर तरीके से मदद करेंगे। ये जो तुम्हारे रिश्तेदार आए हैं, 100 रुपए हैं आपके पास? हैं? काय को 100 रुपए मांग रहा है मेरे से? ये मेरे हालात ठीक नहीं है, कमेटी खुलेगी दे दूंगा ना यार। शर्फो, इनका वही कमरा रहना चाहिए। दरअसल हम ना आपके बारे में ना कुछ लिखना चाहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, तुम जो पूछोगे हम बता देंगे। अच्छा हाँ? आप कौन से अस्पताल में पैदा हुई थी? मैं जकूटा अस्पताल में। जकूटा में हुई थी? जकूटा अस्पताल में। ये इनके हस्बैंड है और ये भूतों के काउंसलर भी हैं। अच्छा, आप कहाँ पैदा हुए थे? मैं फिजाई पैदावार हूँ। हवा में हुए थे? हवा में। ये इनकी बेटी है। अच्छा, बहुत अच्छी है। हाँ, बड़ी प्यारी बच्ची है। इसकी 2 फोटो दिए दिए मुझे। क्यों? यहाँ बच्चे बहुत रोते हैं, मोहल्ले में सबको एक एक बांट दो। हमारे यहाँ सेशन कराना मना है। सेशन नहीं कराते आप? नहीं। ठीक है शर्फू, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और जो मेरी इनसे मुलाकात हुई मैं सब लिखती हूँ। अब आप इनसे किसी वक्त भी मिल सकती है। अच्छा? आप जब कहेंगी ना कि सामने आओ। हाँ? ये सामने आ जाएंगे। बस सिर्फ तुम इनका को। इनका कोड यही है 0300। हाँ? सामने आओ। 0300 सामने आओ। हाँ ठीक है। .com भी कर लेना है।
ठीक है, लेकिन देखो एक बात का ध्यान रहे, सिर्फ तुम दोनों को पता है, हम तुम दोनों के सामने आए, किसी को बताना नहीं। ना ना, हम लोग नहीं। अरे क्या बात करिए भाभी, आप मेरे अपना भाई को ऐसे समझती हैं? भाई भाभी है, मैंने बना लिए, समझा करो करो। अच्छा ठीक है भाभी, एक मोहल्ले में चलना है, जरा एक बड़ा बदमाश है, जरा कलेजा निकालना है। कलेजा तो मैं इतने शौक से खाती हूँ, इतने शौक से खाती हूँ। ठीक है, मैं ना आपको अभी अपने कमरे में बुलाऊंगी। बस जब भी हमारी जरूरत हो हमें आवाज देना। चलो 300 सामने आओ। हाँ, चलो अगर अगर चले हाँ। अगर एंगेज मिल रहा हो तो क्या करें? हेल्पलाइन पे शिकायत करें? कर लेना हेल्पलाइन पे शिकायत। अच्छा, कोई मसला आपकी नहीं। आपकी इनकमिंग फ्री है या आउटगोइंग फ्री है? दोनों फ्री है। हाँ आप लोग भी तो फ्री हो। हाँ ना, दोनों फ्री। मेरे में 350 वाला कार्ड डलता है। माशाल्लाह, ये जॉस के जीने, जॉस के। अच्छा ठीक है, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ठीक है जा। चलो, आपको इस लड़की पे लगता है बहुत प्यार आया। हाँ। बहुत प्यार आया, हम चाहते हैं कि हम इसकी मदद करें। बस 100 रुपए होंगे आपके पास? अरे जा यार। अरे भाई शर्पू, वो रिश्ता ले आए, वो रिश्ता नहीं फकीर वो ले आए। अब तुमने मदद करनी है, हर कीमत पर पिंकी को हाँ करवानी है ताकि वो फकीर से शादी कर ले। अब वो पिंकी पिंकी नहीं रही। अच्छा, ओ पिंकी को पीछे से सपोर्ट। अच्छा, मेरी सपोर्ट है, मैं उसे समझाऊंगा कि शादी करे, मेरी सपोर्ट। वो आया नहीं अभी तक। अल्लाह है कोई इस मोहताज की मदद करने वाला? हाय 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 हाय, कैसे खुदा की कसम कौन है ये? अरे तुमने नहीं कहा था फकीर को पसंद करती है, वो रहम दिल है। हाँ। तो ये भांजा है ना इसका, ये इसको फकीर बना लिया। हाँ। अरे क्या गंदा जहर है यार, खुदा का कसम। आफरीन है भाई, अपनी भतीजी के लिए बंदा बड़ा, क्या बात है। या अल्लाह या अल्लाह, इसे उठा ले मेरे अल्लाह। क्या कह रहा है ये? अबे मैं पिंकी बीबी को बुलाता हूँ। बुला, बुला। पिंकी जी, पिंकी जी आ गए सजना, बोले कंगना दे अल्लाह के नाम पे। क्या हुआ? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? फकीर अंदर कैसे आया? इस मोहताज की मदद करें, अल्लाह आपका भला करेगा। ये मोहताज है 0300, जरा इसका बताना है मोहताज है। जी जी, 300 में पूछ लो। देखिए बात सुने, मोहताजों के साथ ऐसे मजाक नहीं किया करते। देखे जो मेरी मदद करेगा, असल में मैं आपको ये अबे उल्लू के बच्चे, तू फकीर है या अल्लाह? शर्फू ये कौन है? मैं असल में आपको बताना चाह रहा था, आप क्यों मार रही है? मैं आपको बताता हूँ असल बात। क्या ये कहाँ सा फकीर है? ये क्या फकीर है? ये सीधा भी हो जाता है, टेढ़ा भी हो जाता है। क्या है? इसकी दोनों साइड है। अच्छा, कैसी दोनों तरफ भरी हुई? पिंकी तुम्हें फकीर पसंद है ना? किसने कहा आपसे कि मुझे फकीर पसंद है? शर्फू वो झूठ था। तुम रहम दिल हो ना, तुम फकीर को देख के तुम्हें आंसू आ जाते हैं। मेरी आंखों में आंसू क्यों आएंगे फकीर को देख के? भाई क्यों आएंगे भाई, क्या बात है? फकीर मिर्चे फेंक रहा है क्या? क्या मट्टी उड़ा रहा है कुत्ते का बच्चा? क्यों हमारी आंखों में आंसू आएंगे? क्यों शर्फू झूठा? शर्फू इस फकीर को अभी और इसी वक्त बाहर निकालो। नहीं नहीं, इस किस्म की बातें कर रही हैं आप? मैं कोई गया गुजरा इंसान नहीं हूँ। गया गुजरा? हाँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मालदार आदमी हूँ। ये सारी खाला की साजिश है जिसने मुझे फकीर बना के यहाँ लाया। इसकी ये खाला नहीं है जो मेरी, ये इनकी खाला, इनकी साजिश है ये बना के लाया। मैंने कहा लड़की से पूछा था आपको कैसे आदमी पसंद है, मैंने कहा फकीर, टिका के भेज दी हुई। बेटा तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आया हूँ, जीवन साथी हो गए। ताया जान, इसकी शादी आप अपनी बेटी से क्यों नहीं कर देते? हाँ, वो भी तो है। नहीं नहीं, वो क्या वो लड़की नहीं है क्या? क्यों नहीं करते उसकी शादी? क्या वजह है? करो ना, बुला उसको, उसको बुला। नहीं, शादी होगी पिंकी, तुम्हें शादी हमारी मर्जी से करना होगी। अगर तुमने हमारी बात न मानी तो हम तुम्हें अपनी रवायात पर कुर्बान कर देंगे। हमें दूसरा काम भी आता है। अंकल क्या कर रहे हैं? 0300
हम क्या करेंगे? चला ले, चला ले, चला ले, चला ले। अंकल क्या कर रहे हैं? चला, चला, चला। तुम मुझे नहीं जानते? जीरो थ्री हंड्रेड। हो कबूतर। चला ले, चला ले, चला ले, चला ले। मैं तुम्हें गोली मार दूँगा। मारो, मारो, मारो। मैं तुम्हें की औलाद है तो मार। मैं बच्चन मिर्जा की औलाद है तो अपने आप पे गोली मार। मैं मारो अपने आप पे गोली। बस क्लैप हो गए बस। दूसरे पे गोली मारना कितना आसान है मियां, जब अपने पे पड़ती है तब पता लगता है। ठीक है। वो बेटा एक रिश्ता लेकर आया था पिंकी के लिए, उसे पसंद नहीं आया। लेकिन आप पसंद करे, आप पसंद करे। अरे मैं आपका कजन हूँ, मैं आपकी खाला का बेटा हूँ। खाला तूने मेरे से अच्छा नहीं किया वैसे। वो तो मजबूरी थी। तुम अंदर जाओ, कपड़े चेंज करो। होगा वही जो हम चाहेंगे। बस कुछ बेगम, होगा वही जो हम चाहेंगे। होगा वही जो हम चाहेंगे। अबे यार कैसे छिछोरे भूत है भाई। यार आपके अंदर आप है भूत, लेकिन आप में इंसानियत है। देख लो कैसे कैसे तुम्हारे रिश्तेदार हैं, किस किस तरीके से तुम्हारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं ये लोग। वैसे भाई भूत, आप रंग छोड़ रहे हैं। आप रंग छोड़ रहे हो, खुदाई अच्छी बात नहीं। कौन सा काला या सफेद? पता नहीं। बाहर देखा, इन्होंने हमारी कितनी मदद की है। हाँ देखो शर्फू, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी हमारे तायाजान ऐसे होंगे। मैं आपके लिए चार काली मुर्गियाँ और दो अंडे वंडे लेकर आता हूँ। अंडे अंडे नहीं खाते हम। तुम यहाँ खड़े रहो, हम खुद खा कर आते हैं। हाँ। चलो हम उन लोगों को सजा जरूर देंगे। अब नहीं छोड़ेंगे। चलो चलो। ये अच्छी फोर्स मिल गई है। असल में बात ये है, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? असल में है? असल में पता है क्या? ये हमारी खानदानी रवायात है कि साल में एक दिन हम ऐसे मनाते हैं। बस आज वही दिन है। ये क्या हो रहा है? कपड़े कहाँ गए? कपड़े कहाँ गए? मैं नहाने बैठा हूँ, ठंडे पानी में गर्म पानी मिलाया और आग लग गई। आप यकीन करें, मैं नहाने लगा, मैंने कपड़े उतारे, कपड़े चल के खुद ही निकल के गए। कपड़े निकल गए? बड़े भैया, कपड़े किधर गए? ये तो खीरों की बोरी लग रही है भाई। अब यहाँ नहीं रहा तू। अरे मेरा दरवाजा खोला है ये, जैसे मैंने मेरे कपड़े किधर उतार? अबे ये मुझे दे दे। अच्छा, अबे मुझे दे। अरे मुझे दे। अबे मुझे दे। अबे मुझे दे। अरे क्या हो रहा है? आप लोग अपने अपने कमरों में जाएं। अपने कमरे में आग लगी हुई है, लोग समझेंगे हमारे घर में केबिल चल रही है। चले आप अपने अपने कमरों में जाएं। किधर जाएं? चले आप अपने अपने कमरों में जाएं। आटा पानी करें। चले आप अपने कमरों में जाएं। बहुत आटा पानी। अब आया सही जिंदगी का मजा। हाँ। ये भूतों के आने से लाइफ सेट हो गई। हाँ। और इनके आने से आपकी जिंदगी सेफ हो गई। हाँ। मैं तो कहता हूँ भूतों के लिए जश्न होना चाहिए। मैंने कह दिया मैं अब तुम्हें तलाक दूंगा, तलाक दूंगा, तलाक दूंगा, बस। मियां मैं अभी तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ, तलाक लेना चाहती हूँ, तलाक लेना चाहती हूँ। तुम हो इस काबिल, मुझे भी तलाक दे दो, मुझे भी तलाक चाहिए। आज तक एक फरमाइश पूरी नहीं की तुमने मेरी। क्या फरमाइश पूरी नहीं की तुम्हारी? हर फरमाइश पूरी की है मैंने तुम्हारी। कोई फरमाइश पूरी नहीं की तुमने मेरी। वो देखो मोटी ढसल लो, खुद चुड़ैल जैसी है, मैं भूतरी का कहती है। उसका मियाँ देखो कितनी फरमाइशें पूरी करता है उसकी। तुमने मेरी आज तक एक फरमाइश पूरी नहीं की मियाँ। कौन सी फरमाइश पूरी नहीं की बताओ मुझे? मैंने तुमसे कहा था ये जोड़ा इतना पुराना हो गया, तुम मेरे कपड़े सिला के लाओ। तुम मेरे कपड़े सिला के लाए? मैं गया था दर्जी के पास, मैंने कहा कि मेरी बेगम का एक जोड़ा सी दो। उसने मना कर दिया कि हम तंबू सीते ही नहीं है। बस तुम्हारी
तुम्हारी यही बात है मियां, चलो ठीक है तुमने जोड़ा सिलवा के नहीं दिया कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कहा था मुझे वो इंसानों की तरह वो चेन ला के दो सोने की, वो लेकर आए तुम। मैं गया था सोनार के पास, मैंने उसे जाकर कहा है कि एक सोने की चेन दे दो, तो कहने लगा तुम्हारी बीवी इस काबिल नहीं है, उसे लोहे की चेन से बांध के रखो। मियां तुम ऐसी कमीनी बातें करते रहते हो, इसी वजह से मैं भी तुमसे तलाक चाहती हूँ। मैं तुम्हें तलाक दूंगा, तुम तलाक क्या चाहती हो मुझसे? ठीक है मियां, हाँ तुम मुझे तलाक दोगे तलाक दो, लेकिन साथ में मेरा हक महर भी वापस करो। क्या है तुम्हारा हक महर? हक महर तुम्हें पता है 100 लाशें। हम जिन्नातों में लाशें नहीं होती, अगर इंसान की लाशें मांगती तो हम लाकर भी दे देते, क्योंकि यहाँ तो जगह जगह पर इंसान की लाशें पड़ी रहती हैं। मियां फलसफा मत बोलो, चलो ठीक है जाओ मेरी दूसरी फरमाइश पूरी करो। कहो। जा इंसानों को जाके डराओ। ये बहुत मुश्किल काम है। क्यों? जो कौम अपने अल्लाह और रसूल से नहीं डरती वो हमसे क्या डरेगी? मियां लगता है तुम पे भी शर्फू का असर आ गया। शर्फू का असर नहीं आ गया, अगर तुमने शर्फू के सामने हमारी बदतमीजी की या हमारी इंसल्ट की तो हम तुम्हें वाकई तलाक दे देंगे, बता रहे हैं हम। मियां हमें तलाक होती कहाँ है, हम तो रिज्वाइन कर लेते। रिज्वाइन कर लेते ये तो पता चलेगा ना, बस मिल जाने तो मुझे किसी दिन खूबसूरत चुड़ैल, तुम्हें हक में देके फारिग कर दूंगा मैं। मियां देखो अब लाई छोड़ो, चलो तुम्हारी जुल्फ पे सवार हूं मैं। सवार दो। बच्ची कहाँ है हमारी? बच्ची कुत्ते की बच्ची पता नहीं कहाँ चली गई। आदाब अम्मी भूतनी। ये पहला बच्चा है जो बाप से पहले पैदा हो गया। बकवास नहीं करो, मेरा बच्चा क्रिकेट खेल कर आया है, कितने रन बनाए? मैंने 1000 सिफरे। दूसरी टीम का तो बेड़ा गर्क हो गया होगा। अब हजूर मैं कोकब गया हुआ था ना, इधर गर्मियां ज्यादा थी, मुझे पेट कड़ाका निकल आता है ना। पेट कड़ाका? पेट कड़ाका क्या होता? पेट कड़ाका। अच्छा पेट कड़ाका। आप लोगों ने ये क्या हरकतें शुरू कर दी हैं? क्या हुआ बेटा? इंसानों में रह रहा के आप भी इंसानों जैसे हो गए हैं, आप इसमें लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तलाक की बातें कर रहे हैं आप। बस बेटे इस घर में रह रहे की आदतें पड़ गई, लेकिन हम यहाँ अपनी खुशी से नहीं रह रहे, हमें उस बच्ची की मदद करनी है जिसके पीछे उसके दुश्मन लगे हुए हैं। हाँ बेटा यहाँ पे एक बच्ची है पिंकी, उसके माँ बाप के हम पर बहुत सारे एहसानात है, वो सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए, उसकी जायदाद के पीछे पड़े हुए, उसको कत्ल करना चाहते हैं, हमने उसको बचाना है, समझे? आप बेफिक्र हो जाएं भूतनी अम्मी, मैं खुद उसे बचाऊंगा, और मुझसे पता नहीं कौन बचाएगा उसे। खबरदार जिनके बच्चे रहो इंसान के बच्चे बनने की कोशिश ना करो। अब्बा जी मैंने आपका नाश्ता बना दिया है। क्या? कुत्ते के फेफड़े तल दिए आपके। हाय। नहीं यार कुत्ते के फेफड़े नहीं खाऊंगा। क्यों? कल भी मेरी नाफ उतर गई थी उससे। अम्मी हजूर आपके लिए भी खाना बनाया है। वो क्या बनाया है? छिपकलियां तली हैं। हाय। पिंकी ये खड़ी ना, वहां कहां आवाज दे रही है? ये खड़ी, ये पिंकी थोड़ी है, ये तो काली है। अच्छा पिंकी बेटे। ये पिंकी नहीं काली टैंकी है। पिंकी ये मेरा बेटा है, इससे मिलो, कोकाब से आया क्रिकेट खेल के, इसका टेस्ट मैच चल रहा ना वहाँ पे। वहाँ पे भी क्रिकेट खेलते हैं? हाँ क्यों नहीं खेलते, आप क्रिकेट खेलते हैं? हाँ। अच्छा क्रिकेट का तो बहाना ही है, असल में जुआ खेलता हूँ। क्या अच्छा? वहाँ पे भी जुआ चलता है? हाँ? हर तरफ जुआ चलता है, जब से वसीम भाई ने ये शुरू करवा दिया हर बंदा खेल रहा है। अच्छा हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, हमें पता है कि आप एक मजलूम लड़की हैं और आपके रिश्तेदार आप पे जुल्म करना चाहते हैं, अब आप बेफिक्र हो जाएं, आपका रखवाला जिन आ गया। हाँ, बिल्कुल भाइयों की तरह। अच्छा ठीक है ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मियाँ हम भी अपने कमरे में चले। चलो। अरे मैं तो खुद परेशान हूँ। अरे इतनी सारी मेरी निकल चुकी थी, अब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है?
हमें चाय नहीं दे रहा, खुद पिए जा रहा है ये। शर्फू का क्या इलाज कराऊं, मुझे तो लगता है कि इस हवेली में कुछ है। सच्ची कह रही हूँ, ब्लाउज रखती हूँ तो पेटीकोट गायब है, पेटीकोट नहीं है तो ब्लाउज गायब है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तो जो डांस पार्टी रखी थी, इसके मेहमान आए, पता चला पता नहीं किसने उठा के फेंक दिया, किसी की टांग टूट गई, किसी के हाथ टूट गया। ओहो, मेरी तो खुद कोट की जेब में किसी ने रेत भर दिया है। तो आप कुछ करे ना। क्या कर सकता हूँ मैं, कैसे होगा, मुझे लगता है कोई है इस घर में, जरूर आप तो यार नहीं आए आप। वो पता है क्या, मैंने आमिल को बंदोबस्त किया है, आमिल आएंगे तो जो कुछ भी यहाँ पर है वो सब जाहिर हो जाएगा, सब जाहिर हो जाएगा। बताओ हम क्या क्या हम बातें कर रहे हैं, और उसको डांस की सूची नहीं है, पागल बन गई तो। कुछ क्या तो कर रही अभी? मैं नहीं कर रही। अजीब हरकत है। कुछ तो ख्याल करो बेटा, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारे सामने, हमारी खानदानी रवायत नहीं कि तुम डांस करो। नहीं डैडी, मैं डांस नहीं कर रही हूँ। क्या कर रही थी अभी? कुछ नहीं। खाना तैयार है, आप लोग चल के खाना खा लें। अच्छा आज जुमा है ना। हाँ हाँ। डांस सही नहीं है। ये क्या डांस पार्टी हो रही है क्या? कौन सी खुशी तुम्हें चढ़ी, यहाँ घर में पता नहीं कोई चीज है, तुम डांस कर रहे हो? मुझे पता नहीं क्या हुआ, अचानक ये नाचने लगा। बेटी भी डांस कर रही है। क्या हो रहा है आपके घर में? तो बहुत बिजनेस है। रही था। मतलब हम लोगों के घर में बिजनेस बहुत है, आदमी को डांस आना, भूखे नहीं मर सकते हम लोग। शर्म करो बेगम, मुलाजिम के सामने रक्स कर रही हो। क्यों, मुलाजिम क्या इंसान नहीं है, मुसलमान नहीं है? भाई अलग कमरे में करे तो कोई और बात है। तो क्या हुआ, मैं कमरे में भी झांक के देख सकता हूँ। ये खानदान दिखा रहे हैं। हम करे तो मुलाजिम गरीब, आप करो तो नवाब, नवाब रक्कास। देखो मैं तुम्हें सही कह रही हूँ, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैंने आमिल का बंदोबस्त किया है। आमिल? आमिल आएंगे। कौन आमिल? बहुत बड़े आमिल। इस हवेली में जो कोई भी आसेब है वो निकलेगा बाहर। मुबारक भैया। मुबारक हो। क्या हुआ? मुबारक हो। क्या हुआ? क्या क्या सर के तेल की दवाई मिल गई? भैया अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ। मैं एक ऐसे आमिर बाबा आ रहे हैं यहाँ पर। अच्छा। यहाँ जो चीज जो हमें तंग कर रही है। हाँ। एक एक चीज खुल के उसके सामने आ जाएगी। यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं। चीज नहीं है तो ये क्या हो रहा था सब कुछ, हमें हमारी जेबों में रेते कौन डाल रहा है? उस तक कोई अरबी आयो, अरबी आयो, मेरी इतनी सारी लिपस्टिक गायब है। अच्छा, कल तो किसी ने मेरे सर पे चवन्नी है ठंडी फेंक फेंक के मारी कल मेरे सर पे मेरे। शर्फू मुझे लगता है कोई चीज है, पिंकी हर वक्त चुप चुप रहती है, खामोश रहती है, डरी डरी सेमी सेमी रहती है। सर मैं तो बिल्कुल खुलेआम फिर रहा हूँ सर। अरे बुला रहे यार, कौन आमिल है बुलाओ, बात कर लेते आमिल के सामने। अरे ऐसा आमिल है, तुम देखना सब कुछ पता लग जाएगा, बस आने वाला है अभी वो। भाले जान। मैंने आमिल को कह दिया, इतना बड़ा आमिल है, इतना पहुंचा हुआ आमिल है कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, अभी सारी बात का पता चल जाएगा। आमिल भी आ गया। हाँ। आप भी आए। हाँ। बहुत बड़ा दंगल होगा घर में, बहुत बड़ा दंगल। कहाँ है क्यों भाई? मेरे वाला देखना खाली, तुम आ जाए। आप जाए, ये आमिल लाए, आप जाके कामिल को ले आए। कामिल फरशोड़ी है ना, उसको ले आए। कौन? मेरा दोस्त है। क्या वो भी जादू वादू? अरे ऐसा जादू, मैं कहता हूँ आप जादू देखिएगा यार, कैसा जादू चलेगा। अच्छा, ओहो, अभी फैसला होगा, अभी फैसला, बस आने वाले, पहुंचने वाले वो। भैया फिक्र नहीं करना तुम। अच्छा। हाँ, उसने मुझसे कहा, अरे जो चीज है, जिन है, भूत है, खुल के सामने आ जाएगा भैया। अच्छा। हाँ।
बेटा मेरा बच्चा, मेरे जूते से मेरी पिटाई हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। बेटे समझ, आज आखिरी दिन है। हाँ। आज आखिरी दिन है। अच्छा। आखिरी दिन है। हाँ। तो वसीयत वसीयत लिख दे ना। मेरा मैं बेको मर रहा हूँ क्या? मेरा मतलब है कि आज परेशानी का आखिरी दिन है। अच्छा, अच्छा। बेटे मैंने आमिर बुलाया है। वो आ गए, वो आ गए, वो आ गए। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ। यही कर रहा है अपना रंजीत वर्मा साहब। तू परेशान थे सारे सारे, मैंने एक बाबा को बुला लिया है बेटा, वो बता देगा, हो सकता है कि तुम्हारे पे भी असर हो। ये क्या बकवास कर रहे चाचा जान? ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कोई जिन भूत है, बताओ कोई है ही नहीं। आजी जी नहीं ताया जान, ऐसी कोई चीज नहीं है। अरे हवाई चप्पल मेरे सारे सर पे किसी ने मारी, अल्लाह की कसम। ये अल्लाह की लानत है। हाँ। तो मेरे मुंह पे जोकर जो पड़ा है तू क्यों जन्नती है? बाप बेटे की जोड़ी खराब है। बेटा इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम चुप चुप रहती, खामोश रहती हो, आएगा तो यहाँ कुछ ना कुछ निकलेगा। बाबा जी को बाम ला के दो, बाम नाक बंद है बाबा जी। क्या हुआ? बाबा जी को पता चल गया कुछ। हाँ। पता चल गया? हाँ। क्या हुआ? नहीं। मिया, इसने कुत्ते भी है। नहीं मैं नहीं, इस पे जिनका साया है उंगली ऐसे ही रखना, ये लो, इस पे जिन का साया है। अरे मेरे पे जिन नहीं है, मेरे पे नहीं है, इसी पे है। अच्छा, आगे बैठो। खड़ा हो। बैठो। खड़ा हो। बैठो। खड़ा हो। बैठो। खड़ा हो। खड़ा हो। बैठो। बाबा जी अपने डिस्प्यूट में मेरा काम ना करवा देना, इसमें जिनों का साया। आप बाबा जी देखें ऐसी डराने वाली बातें ना करें। मैंने महसूस किया है, मेरी किताबें ये कहती है कि तुम पे जिनों का साया है। बाबा जी नदी में चल रहे हो, तुम पे जिनों का साया है। बैठो। खड़ा हो। अबे भाई दफा करो यार, जो करना है। मैं तो कुरान की कसम तंग आ गया भाई। किसको कह रहे हो? अबे जिसे भी कह रहा हूँ तंग आ गया, जिसने जो करना कर ले। हम भी पाकिस्तानी मुसलमान में क्या कुरान की कसम, जिसने को कहा माइक लाल करो यार, करो कुछ करो यार, करो। दिमाग खराब हो गया भाई, डर डर के पागल हो गया मैं तो। अबे डर डर के चौंक चौंक के कमर में दर्द होगा। लो जो करना चाहिए यार। अबे जिनों का साया है। जी बाबा, साया है जिनों का। बैठो बाबा जी, अब मरे में से जिन निकालो, लाना तुम्हारी शक्ल पे, तुम्हारी शक्ल पे लाना, किसी पे लाना भेजते हो? जिन निकाल रहा हूँ, जिन। ठीक है, जिन पे लाना का क्या काम है? कुछ पढ़ाई करो,
इन पे जिनों का साया है, तू जिन जिन का बचा है वो भी तुझे ढूंढने आया है। लगता है जिन ने हमला कर दिया। किस किस्म का दो नंबर पीर ले आया? मैं जिन्नू है? हम जिन को इस तरह धोखा देते हैं। ये बाहर की वीगे मैं बड़ी मुश्किल से लाया था। खबरदार, तुमने क्या कहा? इस तरह जिन ये समझता है ये कोई जनाना रूह है। अरे अरे कितना बेअकल आदमी है तू। अब पहने का तो हमारे क्या भरोसा। बाबा जिन निकालो, आईटी में ना निकालो, बैठो। भाई जिन तेरा छोटा बेटा है। भाई जिन इधर बैठो, जिन निकालो, बैठो इधर। जिन और बच्चे आनो। मेरा ख्याल है इसके सामने खुल जाओ। मियां अब तुम्हारी बारी है। आमिर साहब को क्या हो गया? अम्मी बहू, अम्मी, अम्मी पुतली, अब मेरी बारी है। मैं इस फुटबॉल से खेलूंगा। अम्मी साहब क्या हो रहा है, क्या हो गया आपको? आप ये क्या घर में छिछोरी हरकतें कर रहे हैं? मैं अमल कर रहा हूँ। ये अमल नहीं, कुछ सर्कस ही लगता है। चिन्नो चिन्नो और चिन्नो, बच्चे से लड़ते हो? बराबर वाले ये ले। बराबर वाले मुझे फंसवा दे, मुझे पकड़ा दे। आ आ ड्रा आ शरीफ इसने मुझे थप्पड़ मारा है। नहीं, इसने मारा। मैंने तो थप्पड़ नहीं मारा। अरे सारे लोग खड़े हुए यार, मैंने कहा मारा यार? इन्हें मैं किधर मारा, ये तो इधर खड़े हुए थे, तुम खुद ही पलीतियां मार रहे हो। हम इसने मारे? किधर मारा है? मैंने तो खाया ना। आप जिन निकालो, इसके बगैर आप जा नहीं सकते यहाँ से। क्या हुआ? ऐ जिन्नू, और तुम लड़की हो या लड़के हो, मर्द हो या औरत हो, मुझे माफ कर दो। मैं तो जल ही आमिल बना हुआ हूँ। खुदा की कसम, मेरी तो कंडेरियों की रेड़ी है। लाया कौन था? लाया कौन? ये मेरा अपा लाया था। अपा इसके सर पे गन्ने तोड़ो ले जाओ, गन्ने मारो। आपको शर्म है? इतना सीरियस मैटर चल रहा है, आप उसके अंदर दो नंबर बाबा ले आए। उससे कह रहा कि मैं बहुत पहुंचा हूँ। तो अभी अपने घर नहीं पहुंचा कभी। छुपे आज तुम तो क्या लेकर आयो तुम? अरे भैया मुझसे इसने कहा था मैं बहुत पहुंचा हूँ, सारे चीन सामने आ जाएंगे। कोई सामने नहीं आया। ताया जान आप किन की बातों में आ गए? मेरे अब्बू ने तो पुठे मंत्र करा के मेरी अम्मी को मरवा दिया था। समझ लो आप, बाबा जी जाके अपना काम करो। बोल जो आपका काम है, टल्ली में जाके जो आप बेचे, आ जा बच्चे, आ जाओ बच्चे। इस गडेरी वाले में खेल रहे थे तुम?
शर्फो मुझे इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कौन लाया था इसे अबे अब मैं पहले कह रहा था कि ये ऐसी झूठ बोल रहा है असल बंदा मैं लेके आया हूँ अभी पहुँचने वाला है बस वो यार कोई काम का बंदा लेकर आ जो जिन भी निकाले यार यहाँ से वो आया इतना बड़ा ये लाया ये क्या हुआ सियासी लीडर अब मुझे क्यों मुझे भी जलील करा रहे हो अपने साथ मुझे भी जलील करा रहे हो सारे कहते हैं इसका बच्चा है थू थू करते हैं सारे मुझ पे मिया ये शर्फू इनमें मिला हुआ है अभी मेरे वाला आमिल आएगा ना अभी मेरे वाला आमिल आएगा वो सारे जिन भूत जो कुछ है ढूंढ लेगा यहाँ से इतना पहुंचा हुआ इतना अच्छा इंसान है वो यार देखो मेरी बात सुनो ये आप किसी मखलूक को है ना पंगेबाजी ना करो अगर कोई है तो रहने दो और नहीं है तो उसको जमाल के रखो ये ना करो यार यहाँ पे गन भेज जाएगा बता रहा हूँ क्या कैसे रहने दे यार हम सबको डिस्टर्ब किया हुआ गली में जिंदगी का मसला है क्या कर रहे हैं आप तो मैं कम डिस्टर्ब हुआ हूँ अब मैं कल नहाने गया हूँ तो मैंने देखा मैं नहा रहा हूँ मैं वापस आ गया मैं चलो ठीक है क्या मतलब क्या मतलब मैं अंदर नहा रहा था मैंने कहा जब मैं नहा रहा हूँ तो मुझे जरूरत क्या नहाने की बाहर आ गया तुम अंदर नहा रहे चार दिन से नहीं सोया हूँ जब कमरे में जाता हूँ मैं सो रहा होता हूँ मैं देखता हूँ मैं वापस आ गया अब ये मेरे साथ हो रहा है मैं तो किसी को नहीं बता रहा ये सही कह रहे सही कह रहे हैं अभी आमिल आएगा अबे ड्राइंग रूम में भी खड़ा होता लगता है कब्रिस्तान में खड़ा जबीर तो जंगाली जबीर तो जंगाली आ गया बाबा बंगाली आ गया बाबा बंगाली अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे अजीज जान से अजीज शायद अजीज हरदेज अजीज को खाओ ऐसी चीज कि आए तुम्हें बात करने की तमीज तुमने पहनी कैसी कमीज ये बात कर रहे तुमसे तारक अजीज मैं नया नया इस जंगल में मेरी पोस्टिंग हुई है मैं चीजों को खिलाऊं चाहते पीने की राहत मिले की तरह भी है शायद मेरा मिसिया मेरे ब्रदर इस्लाम अगर तुम मेरी बात करेंगे तो बात करने किसी को इसलिए काम करके मौत मिला नहीं है नवाज साहब खड़े हैं आपको पागल के बच्चे नहीं कुत्ते के बच्चे नहीं खड़े इंसान के बच्चे खड़े तुम बात करने बाबा जंगाली मेरी नई नई पोस्टिंग इस जंगल में हुई है मैंने पीएचडी की है मायर अमजाद जंगलियात में आजो इस तरके के ऊपर है इस तरके के ऊपर जिन है इस तरके के ऊपर जिन है आप बैठो बाबा हम बताएंगे किस पे जिन है बाबा ये नवाब साहब हैं ये इनकी भतीजी है सारे घरवाले बड़े परेशान हैं बाबा बाबा कुछ करो बाबा बताओ कौन सी लड़की के ऊपर चिन्ह मैं अभी अमल करता हूँ ये बताओ कीशु मकाशा अभी राशा अभी राशा सामरी के वास्ते पुतकदी के रास्ते जलती खोपड़िया जलती खोपड़िया जलती खोपड़िया आना मुकाना क्यों बेइज्जत करानी है जिंदगी के वास्ते हर बशर के वास्ते इंसानों कल के वास्ते जो मेरे कहते हैं उनके दर्द के वास्ते दर्द दिल के वास्ते दर्द फेफड़ा के वास्ते दर्द गुर्दा के वास्ते दर्द घुटने के वास्ते जो कहते हैं अल्लाह के वास्ते जो कहते हैं दिल दिमाग के वास्ते प्यार के वास्ते नफरत के वास्ते मोहब्बत के वास्ते इंसान के वास्ते आदमी वास्ते आ आ आ आंधी क्यों नहीं क्यों बेइज्जत करानी है ऐसे में बाबा जी दो आमिल चकरा गए दो आमिल चकरा गए आमिल दो आमिल चकरा गए आप कुछ होगा आमिलान साहेबान ये मेरी भतीजी है ये चुप चुप रहती है इस पर जिन है आप जरा चेक करें हम चुप नहीं रहते नहीं रहती हो तुम चुप इस पर जबूतन 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 जबूत, 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 जबूत। हाँ। तभी जो निकला जिन्ने के भूत समन्नमन समीरा तू खावे सावा खीरा कोई अमल करे जल्दी करे अमल करता हूँ मेरा ख्याल है जिन इस लड़की के ऊपर एक दफा के साथ चलो किस पे है अब इसके ऊपर आ गया है जिन आ गया है जिन इसके ऊपर ये देख लो अब ये गाना गाएगी देखे देखो आ गया और है ये तो नागन निकली बाबा मुझे नेवला बना के छोड़ो बाबा बाबा नेवला बनाओ पंगा पूरा लो बाबा रुक छो नेवले का सवाल है जबीजा बीजा का मेला बना दे नेवले तुम सब सांसें रोक लो सांसें तो मर जाएंगे हम लोग चलो थोड़ी देर के लिए रोक लो अबे मैं अकेला पागल हूँ क्या सांसें रोकने का मैं सांसें तो रोक लूंगा ये कैसे रोकूं सांस रुकेगी तो ये खुद रुक जाएंगे भूत शिफ्ट हो रहा है
भूत चल फिर रहा है, अब देखो किस तरफ जा रहा है। अब मेरा ख्याल है इस लड़की की तरफ भूत जा रहा है। वो देखो उसके सर पे पहुंच गया है, वो आ गया है। ये देखो पहुंच गया है, ये देखो आ गया है, आ गया है। ये क्या हो रहा है बाबा? बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक एक पांव पे खड़े हो जाओ, एक एक पांव पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब भागो, अब भागो, अब भागो, अब भागो, अब भाग के दिखाओ जे ना गया। बाबा जी, जी बाबा जी, दोनों पैरों पे खड़ा हो जाओ, दोनों पैरों पे खड़ा हो जाओ, भाग के दिखा। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम, आमिल हो यार, मुश्किल में डाल रहे हो यार। आ गया, आ गया। क्या ये ज्यादा ही चिचोरपाई कर रहा है? फिकर ना करो, इसको भी समझा देंगे। इधर आ जाओ, जिन फिर रहा है बाबा जी, भूत आ रहा है, भूत आ रहा है। वो चला गया भूत, ये देखे, ये आ गया, आ गया इस बच्चे के ऊपर, आ गया इस बच्चे के ऊपर, आ गया। लगता है ये भूत कुमरासी किस्म का है। जब आ गए तो पकड़ते क्यों नहीं हो यार? मैं देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, भूत को चेक कर रहा हूँ, भूत को मैं चेक कर रहा हूँ। अब देखो भूत कहाँ जा रहा है, अब भूत वो निकल गया, वो पहुंच गया। तेरे पास टॉर्च है? कहाँ जा रहा है? उधर बैठ रहा है, इधर पकड़ उसको। तू इसको तू फॉलो कर रहा है, पकड़ नहीं रहा। वो पहुंच गया, वो पहुंच गया। लेट जो सारे, लेट जो, लेट जो सारे, लेट जो। वो गंजे के ऊपर भूत आ गया, आ गया। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये भूत घूम फिर रहा है, ये भूत वो आया, इधर पहुंचा, ये भूत तो मुझ तक पहुंच गया। भाईजान, और भाईजान मुझको माफ कर दो, भाईजान मुझको माफ कर दो। मैं माफ कर रहा हूं, तुम इतना बड़ा काम कर रहे हो, काम करो ना। माफ कर दो भाईजान। क्यों? आपको पता नहीं मेरा दूध चली वाला रेडी है, चली का रेडी लगाते। मैं तो थोड़ी देर के बाद से अमल शामल बन गया था, लेके चलो कुछ चार पैसे कमा लेगा। यार ये कोई मजाक है क्या? ये कोई मजाक है क्या? कोई मजाक है क्या? ये कोई मजाक है क्या? ये मजाक कर देगा तुम लोगों ने। खबरदार, इस घर के अंदर कोई गंदोई, मैं बड़े मालिक का नौकर हूँ, यहाँ पे कोई ऐसी बात। रोकना, तू स्कूल देर से आया क्या? ये नहीं रुकते, कौन है मनुष्य, जिसकी मनुष्यत पड़ रही है पूरे घर में? अब मैं लेकर आया हूँ, मैं जिस आमिर को लेकर आया वो लोकल है, यहाँ के इलाके को जानता है। मैं लाऊंगा अभी एक आमिर, देखना ऐसा लाऊंगा तुम सबको ले जाएगा वो। आमिल लाना यार, तो ढंग का ला करके काम खत्म करो, क्या पागल बना रहे हो? अब मेरा आमिल आने वाला होगा, लोकल है, यहाँ का रहने वाला है। अच्छा अभी आया नहीं है? अशनाना
अशना वा गशना वा फिर मुड़ी अशना वा पर भी लेना वा थला भी चढ़ना वा इधर भी गचना वा उधर भी गचना वा अगला भी लाना वा रिवर्स भी लाना वा अशना वा गशना वा ओए बाबा ही नहीं है ये तो वैगन का ड्राइवर है अशना वा गशना वा फिर मुड़ी ये देखो क्या हो रहा है ये जाहिद है जाहिद कौन अशना वा गशना वा फिर मुड़ी अशना वा आना वा जाना वा सारा कुछ खाना वा पीना वा पाना वा फिर उठे जाना वा डंडे में खाना वा चित्र में खाना वा कार में आना वा मैं सो जाना वा अशना वा गशना वा फिर मुड़ी अशना वा अपर भी लेना वा अपर भी चढ़ना वा मैं क्या करा मैं ते अशना गशना रहना या आती हूँ जाती हूँ सबका दिल बहलाती हूँ खाती हूँ पीती हूँ पैसे भी कमाती हूँ बताओ कौन है इसकी बहन अशना वा गशना वा फिर मुड़ी अशना वा चक लाला रहना वा उच्ची नक्की वाला टाड़ा अल्लाह ने चीज माड़ी चीज कदे आओ ना सबके पास पैसे हैं सब पैसे कमाते हैं दिल भी बहलाते हैं घर भी सजाते हैं बंगला बनाते हैं कभी अपनी सिस्टर लाओ ना हाँ अशना वा गशना वा फिर मुड़ी अशना वा इसमें साइलेंट या बैटरी चार्जर है ये नेचुरल है नेचुरल ओ नेचुरल टूथपेस्ट क्रुच क्रुच अशना वा गशना वा फिर मुड़ी अशना वा ब्रुर 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 जिनक डालो चिड़ेला बुला लो पूतनिया तका लो बाबा जी पैसे ले जाओ बाल कटा लो कुछ शेप बना लो कोई चंगे कपड़े बना लो कोई अपनी इज्जत करा लो ऐवें मेरे हाथी ना छित्र खा लो बाल नहीं कटाने तेरे खानदान वाले किथे रहणगे आमिल है ए बाबा दा दिमाग चरस पी पी के खुश्क हो गया मेरे लाग अशना वा गशना वा फिर मुड़िए जिन मालकन जिन 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 सही कह रहा है सही कह रहा है शैंपियन सही कह रहा है जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे वाह वाह मेहरबानी ये सोफा आपके काबिल नहीं नीचे बैठ मेहरबानी हम जिन निकालते हैं हम तेल निकालते हैं हम चुड़ैले बुलाते हैं तुम्हारे घर का मामला चिन कढ़ा लो चुड़ैला बुला लो भांडे करे करा लो अपने घर वाले बुला लो दो पैसे कमा लो तुम पे जिन आशिक हो गया है इस पे जिन आशिक हो गया इन पे आपका आइडिया ठीक है बाबा जी अच्छा और वो जिन पिंडी का है पिंडी का जिन है ओए ओए वो राजा जिन हो सी सख्त आशिक हो गया है सख्त है इसके चक्कर में गिट्टे छिला बैठा है क्या अच्छा गिट्टे छिला बैठा है मतलब ये टखने जो है ना उन पे जर्ब आई है हाँ उसके घोड़े पित्ते के साथ बैठ गए बाबा जी बाबा बनो हकीम ना बनो ये जिन का बच्चा है ओए ये जिन का बच्चा है मुझे पहले ही सकता खुदा की कसम यहाँ तुझे बाबा माना है बाबा ये है जिन का बच्चा ये जिन का बच्चा ये गबलू शर्फो ये क्या कर रहे हो जिन का बच्चा नहीं है ये मुझे देख देख के यूं यूं करती है ये नहीं जया जिन का बच्चा है ये जिन का बच्चा है ये जिन की ग्रेवी ये जिन का बच्चा है और ये है ना ये उनका बच्चा उनका ना पहचान लिया ना आपको ये पहचान लिया ना बुजुर्गों को पहचानती अच्छा लगता है ये अच्छी बात है जिन निकलवाओ जल्दी जल्दी जिन निकलवाओ मैंने जाके और जिन घुसेड़ने भी हैं आपको इसीलिए बुलाया ना कि इस घर में कोई आसेब है कि हमारी भतीजी इसमें कुछ जिन है तो अमल कर शुगल ना ला जनगण धुंगा और हमारा राजा तो जय तुम बुला रहे राजा तेरे दूर लगा रहे दूर लगा रहे मैं बस हम भरे हाँ दूर लगा रहे हाँ दूर लगा रहे अरे क्या करें तुम क्या कर रहे
मैं बाबे की जुए मार रहा हूँ। सिंगरंधम जिन कड़ालो कैसे कटाए, कटेगा तो कटाएंगे ना, कट तो है नीरा जिन कड़ालो तेरे घर च बड़े की थुप डाल। इस घर में जिन है, पुरानी हवेली के जिन है, इस घर में जिन है, तुम यहाँ रहते हो जी सर, तुम्हारा घर है, तुम निकालो है? मैं तुम्हारे बाप का नौकर लगाऊ, जिन कटालो तू आवाज का दी लाना, जिन कटालो बस ये जरा स्लिप हो गई है, इसको काबू में रखो यार, जिन निकालने के लिए आया। इस लड़की के ऊपर कहते हैं कि प्रॉब्लम है, वो कहता है मुझे डराते हैं, तुमको क्या होता है बताओ ना। और मेरी जेबों में कोई रेत डाल देता है, बहुत पुरानी बात है, इसमें डॉक्टर भी नहीं आ रहा है। मैं जिन निकालने लगा, कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल करती है? ये परफ्यूम लगाती है, पेरिस का है, टर्कीज। अबे ये क्या बच्चियां सूंघने आए यहाँ पे? अमल कर रहा है, अमल। ये अमल नहीं कर रहा, ये इस पे बाकायदा अमल कर रहा है। चांदनी चौक की पूरी मालूमात होंगी तो पता चलेगा ना, वैसे जिन निकलता है। इधर आओ सादका बाद वाली। ये कैसी बातें कर रहा है? बाबा ढोक खपेगा। अबे पहचान गया, ये टेलर मास्टर है, पतलून का नाम ले रहा है। सिंगला बना ले, सिंगला बना ले, सिंगला धुनवाल है, हिंगवा है, धुन। नहीं नहीं यही है, नहीं पुत्र लग रहे हैं, तू ही है मेरे बेटे, तू ही है। नहीं नहीं, क्या आपका बेटा? नहीं, जिन इस खिड़की से घुसा, ये रास्ता इस्तेमाल किया है, जिन ने समझा ये मोटर वे है, हालांकि ये खड्डों वाली सड़क है। बता जिन किधर है? जिन निकाल, जिन निकाल, जिन निकाल, जिन निकाल। क्या हो रहा है चरफो, ये क्या हो रहा है? बाबा जलाल में बाबा शुरू हो जिन काबू नहीं आता, जिन तिलक जाता है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने देख लिया, ये खाली है, ये खाली है। जरा इनको बताना किसका जिन निकालना। मंजी पीढ़ी ठीक करा लो। आपके लोग ला रहे हैं, आमिल पकड़ पकड़ के, जो आमिल आता है उसके बाल गिर जाते हैं। तो अब हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, हम वापस अमेरिका जाएंगे। नहीं बेटा, तो यार और क्या, ये कोई तरीका है? नहीं बाजी, बाजी अमेरिका नहीं जाना, इधर ही कुछ जिन को निकलवाने का चक्कर चलाए ना। जिन भी कोई नहीं यहाँ पे, और ना कोई जिन निकलेगा, हम जाएंगे, हमारा सामान पैक करो। नहीं बेटा, तुम मैं सामान पैक कर रहा हूँ उनका। नहीं ये नहीं जाएगी, दो फाइलें हैं और एक इनका पर्स है। ये नहीं जाएंगी, ये यहाँ पर रहेंगी, हमारी हवेली में रहेंगी। आपकी हवेली नहीं, हवेली हमारी है। तुम्हारी शादी वहाँ होगी जहाँ मैं चाहूंगा। गुंडा गर्दी नहीं करना मेरे सामने, मुझे पहले बाहर भेजो। बाहर किधर भेजू? बाहर इसलिए भेजो कि आप इसके साथ बदतमीजी नहीं कर सके। आप मैं इनका नौकर हूँ। तुम नौकर हो लेकिन मैं मालिक हूँ हवेली का, भतीजी है मेरी, ताया हूँ इसका। ताया जान, शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी और अभी नहीं करूंगी। और सबको छोड़ दीजिए, हमने भी फोन करके और टेलीग्राम करके एक आमिल बुलाया है, हमारा आमिल भी देखो ना, सबके आमिल आ गए। आलू क्या कह रहे हैं? आलू अभी बताऊंगा सब तुम लोगों को, क्या जिन का बच्चा ये। अस्सलाम वालेकुम, हमारे दोस्त हैं ये और इनके भी दोस्त हैं जी। तो यहाँ है कोई जिन या रूह?
आपने फोन किया था हमें। तशरीफ लेके आ, तशरीफ लेके आ। हाजी साहब आ बैठिए। ये सही लग रहे मुझे, ये सही। हां हां मियां, अच्छा आ बैठिए। ए मियां, ये तो सचमुच का है जी। मेरे अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है उससे एहसास हो रहा है कि यहां कुछ है। अभी मैं कुछ करता हूं, जब वो मेरे सामने आएंगे तो मैं ऐसा अमल करूंगा कि तुम सब लोगों को दिखाई देंगे वो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आला आलिह। इस्तिगफार बिमसीह फज्जनास फज्जनास फज्जनासिया बिनतसिया नमिश को शल्ती बोलती गोश को दुबिश नमी तला को देखो विस्मा विस्मा खामोश। कौन हो तुम और कहां से आए? हम सदियों से इस हवेली में हैं, यही हमारा घर है, लेकिन इन इंसानों की लालच देखकर हमें अपने आप पर शर्म आती है। इंसान दौलत का भूखा है, जायदाद का भूखा है, जिस जमीन पर पैदा हुआ उसी पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन इंसान को यह नहीं पता कि मरने के बाद इसी जमीन के अंदर दफन होना है उसे। यार जिनके ख्यालात तो गोरकन टाइप के, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन इस तरह अल्लाह की मखलूक को तंग करना ये भी तो तुम लोगों को नहीं अच्छा लगना चाहिए ना? हमें अच्छा नहीं लगता, हम तो इस बच्ची की मदद करना चाहते थे क्योंकि इसके बाप के हम पर बहुत बड़े बड़े एहसानात। और ये जितने लोग खड़े हैं सब इसकी दौलत के लालची हैं, इसे खत्म करना चाहते हैं। हम जानते हैं ये सब, और आज तुम सब लोगों को ये बताएंगे, तुम लोगों की आंखों के आगे से और तुम सबकी आंखों के आगे से वो मंजर गुजारेंगे जो हम सबके सामने आना है। किसके लिए ये सब कुछ इकट्ठा कर रहे हो? इस औलाद के लिए? कल को जब मरोगे तो यही तुम्हारे बेटे तुम्हारे बच्चे तुम्हें अपने कंधे पे उठा के लाएंगे और मनोमट्टी के नीचे दफन कर देंगे। सबसे पहले यही कहेंगे कि इसका हिसाब होने वाला है। क्या लेकर जाओगे? कफन की जेबें नहीं होती, खाली हाथ लेकर वहां जाओगे तुम, वहां होगा तुम्हारा असल हिसाब, तुम सबका असल हिसाब। आग का भरा हुआ कुर्स जब तुम्हारे जिस्म पे पड़ेगा तो तुम चिल्लाओगे कि बस बस मुझे मुझे खुदा एक दिन और दे दे, मैं बहुत काम करूंगा, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा। तब होगा तुम्हारा हिसाब। फिर क्या करोगे? किसको पुकारोगे तुम? फिर कोई वापस नहीं आएगा। मैं तो हर वक्त अपने परवरदिगार से हर नमाज में यही दुआ करता हूं कि खुदा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सबको सिर्फ प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे। और आप लालची लोगों के लिए सुन लीजिए, बहुत पहले इन्होंने अपनी वसीयत लिख कर दे दी है वकील साहब को, जिसमें यह हवेली और सारी जमीन इन्होंने आप चाचा और ताया के नाम कर दी है। हमारे नाम कर दी? हाँ, इसलिए कि इनको प्यार नहीं है इन चीजों से, ये जो इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रही है उसके लिए जज्बा इनका। बहुत अफसोस हुआ मुझे आप जैसे ताया चाचा को देखकर, डूब के मर जाइए अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो। मियां बात छोड़ दो जी, मैं किसी का मियां नहीं हूं, मेरी शादी नहीं हुई अभी। वो तो गया, मैं जा रहा हूं, मैं ठहर जाऊं। बात सुनिए, क्या आपके जिन्नातों के इलाके में जिन उड़ते हैं ना? हाँ। और ठीक है, मैं इनके साथ जा रहा हूँ, जिन उड़ते हैं मैं वहां पेट्रोल पंप खोलूंगा। तिजारत करूंगा और सुकून की जिंदगी गुजारूंगा। इन इंसानों से बेहतर ये जिन हैं, जिनके सीने में बुगज नहीं, मुनाफ़त नहीं। अरे खुदा का खौफ करो, इंसान मारने की कोशिश कर रहे हैं और जिन बचा रहे हैं। और क्यों बचा रहे हैं? कि इनके बाप ने एहसान किया था। खुदा का खौफ करो। आइए जी, मैं आप लोगों के लिए रिक्शा लेके आता हूँ, आप चले।